देखो अपन बात कर रहे थे द्विपद प्रमेय की बात कर रहे थे, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें अपन पढ़ रहे थे द्विपद प्रमेय पढ़ रहे थे। देखो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, एक बार अपन देख रहे हैं दोबारा। देखो द्विपद प्रमेय में अपने बात की थी यदि एन का मान अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब अपन प्रसार कैसे कर सकते हैं। देखो यदि एन धनात्मक पूर्णांक हो तब अपन प्रसार कैसे करते हैं। देखो यदि एन पॉजिटिव इंटीजर है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे एक्स प्लस ए की पावर एन का अगर प्रसार करना है तो किस तरीके से प्रसार करते हैं। पिछले अपन बात कर रहे थे, देखो इसाक न्यूटन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बात बताई थी। और जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर अपन लिखते हैं, ए प्लस बी का क्यूब अपन लिखते हैं, वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो अपन लिख सकते हैं। देखो और एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, देखो किस तरीके से करेंगे इसका प्रसार। भाई सबसे पहले लिखेंगे देखो एन सी जीरो लिखेंगे, देखो फिर एक्स की पावर एन आएगा, फिर आएगा देखो एन सी वन। एक्स की घातें घटती जाएंगी, ए की घातें बढ़ती जाएंगी। देखो फिर आएगा एन सी टू आएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू आएगा, ए स्क्वायर आएगा। देखो चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो एन सी एन, ए की पावर एन आ जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो प्रत्येक पद में अपन देख रहे हैं, देखो एक सिमेट्री बन रही है, एन सी जीरो आ रहा है, फिर एन सी वन आ रहा है, फिर एन सी टू आ रहा है। देखो ये सारे क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। देखो प्रत्येक पद में अगर अपन घातों का योग देखें तो हमेशा किसके बराबर है, देखो एन के बराबर है। यहाँ देखो एक्स की पावर एन आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को अगर अपन जोड़े तो एन बन रहा। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो एन बन रहा। देखो प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग कितना आ रहा है, एन आ रहा है। टोटल अगर पदों की संख्या देखें तो कितनी आएगी, देखो एन प्लस वन आएगी। टोटल पदों की संख्या अगर देखें तो वो कितनी आएगी, एन प्लस वन आएगी। ये बात अपन कर रहे थे देखो, है ना। उसके बाद में अपने बात की थी कि इसके अंदर अपन जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं, देखो व्यापक पद कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो क्या फॉर्मूला होता है व्यापक पद निकालने का, देखो एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो भाई किसी भी पद से अपन देख के लिख सकते हैं। देखो जैसे मान लो दूसरे पद को देखो, दूसरा पद अपन देख रहे हैं। देखो जब अपन दूसरा पद अपन लिख रहे हैं तो दूसरे पद के अंदर क्या आ रहा है, देखो एन सी वन आ रहा है, यानी जब दूसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है वन आ रहा है। देखो तो जब अपन आर प्लस वन वा पद लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी सिमेट्री से अपन जनरल टर्म लिख सकते हैं। जब अपन दूसरा पद देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो वन आ रहा है तो आर प्लस वन में पद में कितना आएगा, आर आएगा। देखो यहाँ जैसे एक्स की पावर एन माइनस वन आ रहा है, देखो तो यहाँ जैसे वन है तो यहाँ वन आ रहा है, तो यहाँ पे आर होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो एन माइनस आर आ जाएगा। देखो साथ में कितना आ रहा है, ए की पावर आ रहा है। देखो तो कोई भी अगर अपने वो पद निकालना है वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे जैसे मिडिल टर्म वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में अपन बात कर रहे थे पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहे थे। देखो जो भी नए स्टूडेंट है उनको दोबारा बता देंगे बाद में, एक बार वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। विशिष्ट पद याद करने की अपन कल बात कर रहे थे। विशिष्ट पद का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कई बार ऐसे अपने को कहते हैं, देखो कोई भी प्रसार दे दिया, मान लो x प्लस वन अपॉन x की पावर 10 दे दिया या कोई भी प्रसार दे दिया। देखो अपने वो कहेंगे कि इस प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक बताओ। देखो इस प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक बताओ। देखो तो x की पावर 5 का गुणांक अगर याद करना है तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे x की पावर 5 है वो कौन से पद में आएगा, एक्स की पावर 5 है वो कौन से पद में आएगा, वो पद निकालेंगे, फिर अपन ये देखेंगे एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आएगा। देखो तो इसके लिए अपन कल एक शॉर्ट मेथड अपन पढ़ रहे थे। देखो भी जैसे एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा है, की पावर एन है। देखो जैसे की पावर एन है, अब इसके प्रसार में अगर एक्स की पावर एम है वो मान लो आर प्लस वनवे पद में आता है। देखो इसके प्रसार में एक्स की पावर एम है वो मान लो आर प्लस वनवे पद में आता है। देखो तो आर का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो क्या सूत्र होता है, आर बराबर एन अल्फा माइनस एम अपॉन में होता है अल्फा प्लस बीटा। शॉर्ट अपन एक सूत्र देख रहे थे, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन के प्रसार में यदि एक्स की पावर एम इस पद में आता है, देखो आर प्लस वन पद में आता है, तो आर का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो आर बराबर कितना होता है, देखो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। देखो आर का मान हमेशा क्या आना चाहिए, देखो आर का मान नेगेटिव या फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। देखो भी आर का मान अगर माइनस वन आ जाएगा तो अपन इसका मतलब ये कहेंगे कि ये पद इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो क्योंकि आर एक पद संख्या है, आर एक पद संख्या है तो इसका मान क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जीरो हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखो आर का मान अगर माइनस वन आ गया या जैसे एक बटा दो आ गया तो अपन कहेंगे कि ऐसा पद इसके अंदर प्रसार में विद्यमान नहीं होगा। देखो कल अपन ऐसा बात कर रहे थे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे सेकंड ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो
ये दे रखा था a माइनस बी की पावर n के प्रसार में, a माइनस बी की पावर n के प्रसार में पांचवे व छठे पदों का योग, पांचवे व छठे पदों का योग शून्य है, देखो पांचवे व छठे पदों का योग शून्य है, तब अपने को a अपॉन b का मान पूछा गया। देखो a माइनस बी की पावर n के प्रसार में पांचवे व छठे पदों का योग शून्य है, तब अपने को a अपॉन b का मान पूछा गया। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो अपन आसानी से करके देखते हैं। देखो इसको सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का जो सम है ना वो क्या दे रखा है अपने को, जीरो दे रखा है। देखो यानी अपने को ये दे रखा है, देखो पांचवा पद प्लस छठा पद बराबर कितना दे रखा है, देखो जीरो, जीरो दे रखा है। पांचवे पद और छठे पद का योग अपने को कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। देखो ये बात ठीक है क्या? अब पांचवा पद अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो कोई भी पद निकालने का सूत्र अपन जानते हैं, आर प्लस वन वा पद अगर निकालना है तो उसका सूत्र ही होता है, देखो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये सूत्र होता है। तो पांचवे पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो पांचवा पद लिखेंगे तो कितना आएगा, आर का मान एक कम हो जाएगा, फिर पांचवा पद लिखेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, चार, तो यहाँ पे आएगा देखो एन सी फोर, ये हो जाएगा। आर प्लस वन वा पद लिखते हैं तो एन सी आर आता, देखो यहाँ तो पांचवा पद लिखेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, चार, एन सी फोर आ गया, फिर एक्स की जगह यहाँ पे कितना है, देखो ए, तो यहाँ जाएगा ए की पावर एन माइनस फोर, ये हो जाएगा, माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इस स्टेप को अपन इधर लाके लिख लेते हैं, देखो तो माइनस माइनस आ जाएगा, सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी, देखो छठा पद कितना आ जाएगा, छठे पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, पांच, तो आएगा एन सी फाइव, एन सी फाइव आएगा। ए की पावर कितना बन जाएगा, देखो एन माइनस फाइव, ये बन जाएगा, माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा, पांच, पांच हो जाएगा। बिल्कुल आज धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं, देखो समझना, इधर यहाँ दे रखा है इस प्रसार में अपने को पांचवे व छठे पद का योग जीरो दे रखा था, देखो तो पांचवा पद प्लस छठा पद बराबर कितना हो गया, जीरो, देखो फिर मैंने पांचवा पद लिखा, देखो जो भी अपन पद लिखेंगे उसके लिए आर का मान एक कम हो जाएगा, जैसे अपन देख रहे हैं आर प्लस वन के लिए आर का मान आर आ रहा, देखो यहाँ पे तो पांचवे पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, चार, तो सूत्र हो जाएगा एन सी फोर ए की पावर एन माइनस फोर माइनस बी की पावर फोर, इधर ही आ जाएगा, देखो याद है, याद है, ठीक है। यहाँ देखो a की पावर n माइनस फोर है, देखो इससे अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा, माइनस b की पावर फोर है, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा, देखो वन बन जाएगा। ऐसी जो स्टेप है ना उनको हमेशा एक साथ लिख लिया करो, देखो ऐसी स्टेप को हमेशा एक साथ लिख लेंगे, एन सी फोर अपॉन एन सी फाइव आ जाएगा, देखो एन सी फोर अपॉन एन सी फाइव आ जाएगा। इस स्टेप को मैंने इधर ले गया, देखो इस स्टेप को मैंने इधर ले गया, देखो बोलो यहाँ तक ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे, देखो ए की पावर माइनस वन है तो इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन ए लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस वन को अपन वन अपॉन ए लिख सकते हैं, माइनस बी की पावर वन है तो माइनस बी रहेगा, देखो माइनस बी रहेगा। आर प्लस वन वा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, देखो वो मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, देखो आप देखो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, कल अपन ने देखा भी था, उसका प्रूफ भी देखा था, जो स्टूडेंट नए एक बार इसको सीधा याद कर लेंगे, देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, अगर कहीं भी ऐसी स्टेप लिखी हुई है तो देखो इसका सीधा मान अपन लिख सकते हैं, देखो जो बड़ा होता है उसको तो अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, देखो अगर ये स्टेप नीचे है तब तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो नीचे लिख देंगे, देखो जो बड़ा है उसको तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो जो छोटा है उसको अपन घटा के लिख देंगे, देखो और छोटा कर देंगे, यानी यहाँ पे देखो r प्लस वन है, देखो ये r है, ये r प्लस वन है तो ये बड़ा है, देखो तो जो बड़ा है उसको तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो और जो छोटा है उसको अपन और छोटा कर देंगे, यानी घटा के लिख देंगे, देखो हमेशा इसी स्टेप का मान आ जाता है, कल अपने इसको सोल्व भी करके देखा था, देखो तो ये स्टेप अगर याद रखेंगे तो कई जगह अपने आसानी रहेगी कैलकुलेशन में, देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन को अपन लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, जो बड़ा है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, छोटा है उसको अपन घटा के लिख देंगे, देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो एन सी फाइव है तो फाइव को तो ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो फाइव को ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो और जो छोटा है उसको अपन और छोटा कर देंगे, एन में से घटा के लिख देंगे, एन में से घटा के लिख देंगे, यहाँ ये माइनस और माइनस कितना बन जाएगा, प्लस,
तो बी अपोन ए आ जाएगा, बी अपोन ए आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बी अपोन ए आ जाएगा, ये बात ठीक है। यहां से ए अपोन बी का मान अपने को पूछा गया, तो ए अपोन बी देखो कितना आ जाएगा, ए अपोन बी बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस फोर अपोन फाइव, ये आंसर था। तो आसान क्वेश्चन ये है, यहाँ पे अपने को ये कह रखा था कि a माइनस बी की पावर n के प्रसार में पांचवें और छठे पद का योग जीरो देंगे, तो पांचवा पद लिख लिया अपने, छठा पद लिख लिया, बस थोड़ी सी अपने को कैलकुलेशन की है, तो a और b का रेशियो आ गया, देखो a अपॉन b का मान इतना आ जाएगा, देखो ये स्टेप लिख लेना भैया अलग से, एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो बड़ी स्टेप है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, छोटी को अपन घटा के लिख देंगे, ये अपॉन b का मान आ जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, देखो करके देखो एक बार आप लोग, ये दे रखा है a माइनस टू बी की पावर n, a माइनस टू बी की पावर n के प्रसार में चौथे व पांचवे पदों का योग, चौथे व पांचवे पदों का योग चौथे व पांचवे पदों का योग शून्य है, तब अपने को a अपॉन b का मान पूछा गया है, तब अपने को a अपॉन b का मान पूछा गया है, चौथे व पांचवे पदों का योग शून्य, तब अपने को a अपॉन b का मान पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, करके देखोगे एक बार सारे अपने कॉपी के अंदर ट्राई करो, देखें चौथे पद और पांचवे पद दोनों का योग अपने को कितना दे रखा है, जीरो जीरो दे रखा है। चौथा पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, देखो तीन, तो लिखेंगे एन सी थ्री, एन सी थ्री लिखेंगे, ए की पावर कितना हो जाएगा, देखो एन माइनस थ्री, माइनस टू बी की पावर कितना हो जाएगा, थ्री थ्री हो जाएगा। इस स्टेप को अपन इधर ले आएंगे, देखो इस स्टेप को इधर ले आएंगे, देखो इस स्टेप को इस साइड में ले आए, देखो पांचवा पद कितना हो जाएगा, देखो पांचवे पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, चार, एन सी फोर आएगा, देखो ए की पावर हो जाएगा एन माइनस फोर, याद है, माइनस टू बी की पावर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, माइनस टू बी की पावर फोर हो जाएगा। सेम अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ए की पावर एन माइनस थ्री से देखो ये स्टेप कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा, देखो माइनस टू बी की पावर थ्री है, देखो इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा, देखो वन बन गया। इस स्टेप को अपन उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एन सी थ्री अपॉन एन सी फोर, ये आ जाएगा, एन सी थ्री अपॉन एन सी फोर आ जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, देखो a की पावर माइनस वन है तो ये बन जाएगा वन अपॉन a, यहाँ आ जाएगा माइनस टू बी, माइनस टू बी आ जाएगा। इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो अपन क्या तरीका होता है, देखो जो बड़ी स्टेप है उसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो ये आ जाएगा फोर, बड़े को अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, छोटे को और छोटा कर देंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा टू बी अपॉन ए बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, देखो दो से दो कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो निकाल सकते हैं ना ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा, एन माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ए अपॉन बी का मान हो जाएगा एन माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं, देखो ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं, देखो देखो ये दे रखा है ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर, कल ऐसे क्वेश्चन कर चुके थे वैसे, ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर ग्यारह, देखो के एक्सपेंशन में के प्रसार में एक्स की पावर माइनस सात का गुणांक अपने को पूछा गया है, एक्स की पावर माइनस सात का गुणांक अपने को पूछा गया है।
इस प्रसार में एक्स की पावर माइनस सात का कोफिशिएंट क्या आएगा वो अपने को पूछा गया। देखो सारे इधर सुनेंगे, देखो सबसे पहले इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन से अपन इसका कंपैरिजन करेंगे। देखो अगर इस प्रसार में अपने को एक्स की पावर एम अगर देखना है और एक्स की पावर एम अगर मान लो आर प्लस वन वे पद में अगर आता है तो आर का मान अपन इस सूत्र से निकालते हैं, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा से निकालते हैं। जो स्टूडेंट आ जाए लिख लेना भाई एक बार, थोड़ा सा साइड में लिख लो, ये बात बार बार जरूरत पड़ेगी के प्रसार में एक्स की पावर एम यदि टी आर प्लस वन में आता है, आर प्लस वन वे पद में आता है तब आर का मान अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा से निकालते हैं। ये साइड में लिख लेना जो स्टूडेंट ने, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन के प्रसार में यदि एक्स की पावर एम इस पद में अगर आता है तो आर का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, आर का मान इस सूत्र से निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखो इसका कंपैरिजन है, बाकी इससे ए और बी से कोई मतलब नहीं है, इसके अपन घात देखेंगे। देखो यहाँ एक्स की घात देखेंगे, यहाँ पे एक्स की घात देखेंगे, देखो इससे कंपैरिजन अपन कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, देखो अल्फा का मान वन वन हो जाएगा, इसको अपन अल्फा कह रहे हैं। बीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो बीटा का मान दो, बीटा का मान दो हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, ग्यारह। एम का मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस सात, माइनस सात हो जाएगा। इससे कंपेरिजन अपन कर रहे हैं, देखो इसका इससे कंपेरिजन अपन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने को आर का मान निकालना है। देखो आर का मान निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एन अल्फा सूत्र होता है। देखो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, देखो छः, छः हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा कितना, छः। अगर आर का मान छः है तो पद कौन सा हो जाएगा, सातवा, सातवा हो जाएगा। तो पद कौन सा हो जाएगा, देखो सातवा, जिस पद में एक्स की पावर माइनस सात आएगा वो कौन सा हो जाएगा, सातवा पद हो जाएगा। अगर अपने को ये पूछते कि एक्स की पावर माइनस सात है वो कौन से पद में आएगा तो अपन कहते हैं सातवें पद में आएगा। देखो एक्स की पावर माइनस सात कहाँ पे आएगा, सातवें पद में आएगा। देखो अब यहाँ अपने को एक्स की पावर माइनस सात का कोफिशिएंट पूछा है, गुणांक पूछा है, देखो तो अपन सातवां पद निकाल लेंगे। देखो सातवां पद अपन निकालेंगे, देखो सातवां पद निकालेंगे, आर का मान कितना हो जाएगा, छः, छः हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए एक्स की पावर हो जाएगा कितना, देखो ग्यारह माइनस छः, याद है, माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगा छः आ जाएगा। देखो की पावर छः आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 11 सी 6 का मान अपन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 11 को उल्टा लिख देंगे 6 स्थान तक, 11 को उल्टा 6 स्थान तक लिख देंगे, कितना आएगा, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा ऐसे लिख देंगे। देखो इस तरीके से अपन लिख देंगे, देखो नीचे आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा ये लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना, ए की पावर कितना बन जाएगा, देखो 5, ए की पावर 5 बन जाएगा। माइनस की पावर देखो ये माइनस वन की पावर 6 है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो अपॉन में आ जाएगा बी की पावर 6, ये आ जाएगा। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से तो कितना हो रहा है 5, और यहाँ से एक्स की पावर कितना बनेगा, देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 12 बनेगा। देखो तो ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 7 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 462 आएगी, 462 तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा। देखो एक्स की पावर माइनस सात का कोफिशिएंट इतना आ जाएगा। देखो एक्स की पावर माइनस सात का गुणांक अपने को पूछा गया था वो इतना आएगा। देखो एक्स की पावर माइनस सात का गुणांक आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है, देखो आप बताना, देखिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 3 है। देखो जो स्टूडेंट नए हैं उनको दोबारा बता दें एक बात, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 3 की प्रसार में x की पावर 2m आता है, के प्रसार में x की पावर 2m आता है। देखो
तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है देखो, तब एन माइनस टू एम है वो क्या होगा, तीन का गुणज होगा या दो का गुणज होगा, ऐसे तरह का देखो एन माइनस टू एम है वो दो का गुणज होगा यानी मल्टीपल होगा देखो। एन माइनस टू एम है वो तीन का गुणज होगा, गुणज का मतलब मल्टीपल है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे देखो, एन प्लस टू एम है वो तीन का गुणज होगा देखो, एन प्लस टू एम है वो तीन का गुणज होगा देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस थ्री के प्रसार में यदि एक्स की पावर टू एम है वो आता है यानी एक्स की पावर टू एम उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है देखो, तब इनमें से कौन सी बात सही है देखो, तो तरीका वही है देखो, आर का मान निकालो भाई, आर का मान निकालेंगे देखो अपन, आर का मान अपन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो उससे कंपेरिजन करें तो अल्फा का मान तो कितना हो गया देखो वन, एक्स की पावर अल्फा उससे कंपेरिजन कर रहे हैं, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा उससे कंपेरिजन कर रहे हैं तो अल्फा का मान वन हो गया देखो, बीटा का मान कितना हो जाएगा दो, बीटा का मान दो हो जाएगा देखो, एन की जगह कितना हो गया देखो एन माइनस थ्री, एन की जगह हो जाएगा एन माइनस थ्री देखो, एम की जगह कितना हो जाएगा टू एम, टू एम हो जाएगा, वही जो अभी अपने पीछे फॉर्मूला लिखा था उससे कंपेरिजन कर रहे हैं देखो, बोलो ठीक है कि बस। अब आर का मान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है देखो, आर का मान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एन अल्फा, तो आएगा एन माइनस थ्री, ये आएगा एन अल्फा माइनस आएगा एम, एम की जगह आ जाएगा टू एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है देखो एन माइनस टू एम माइनस थ्री अपॉन में कितना बन रहा है देखो थ्री, थ्री बन रहा है ये बन रहा है देखो, ये बात ठीक है क्या, आर का मान मैं निकाल रहा हूँ उससे कंपेरिजन कर लिया देखो, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा उससे कंपेरिजन किया देखो अपन। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो एन माइनस टू एम अपॉन थ्री माइनस वन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और अपन ये बात जानते हैं सारे ध्यान से सुनेंगे देखो, एक्स की पावर टू एम इसके अंदर तभी आएगा यदि आर का मान क्या होगा देखो, धनात्मक पूर्णांक भी जीरो या धनात्मक पूर्णांक होगा तभी ये पद इसके अंदर आएगा देखो, तो देखो देखिए इसका मान n माइनस टू एम का मान अपन क्या लें कि r का मान या तो जीरो आना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, देखो क्या लें अपन, इस बात को समझ रहे हो ना, अपन पहले बात कर चुके हैं जैसे r का मान अगर मान लो माइनस एक आ गया या r का मान अगर तीन बटा दो आ गया देखो, तब इसका मतलब ये पद इसके अंदर नहीं आएगा, अपन ये तो बात कर रहे हैं r का मतलब पद संख्या से देखो, पद संख्या यानी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ऐसे भी नहीं हो सकते देखो, तो r का मान या तो जीरो होना चाहिए या वन टू थ्री फोर ही होना चाहिए देखो, तो आर का मान धनात्मक पूर्णांक या जीरो होने के लिए यहाँ पे एन माइनस टू एम को अपने को क्या लेना पड़ेगा देखो, तीन का गुणज लेना पड़ेगा देखो, यानी एन माइनस टू एम में यदि तीन का पूरा पूरा भाग अगर जाएगा तभी तो आर का मान क्या आएगा देखो, एक प्राकृत संख्या आएगा, इस बात को समझो थोड़ा देखो, एन माइनस टू एम का मान अगर मैं ये ले लेता हूँ देखो, एन माइनस टू एम बराबर अगर मैं तीन ले लूँ, छः ले लूँ, ये ले लूँ देखो, नौ ले लूँ देखो, ये सारे मान ले लूँ देखो, तब आर का मान क्या आएगा, यदि एन माइनस टू एम का मान अगर तीन लेंगे तो इसका मान जीरो आएगा देखो, छह लेंगे तो इसका मान कितना आएगा एक आएगा, अगर नौ लेंगे तो इसका मान कितना आएगा दो आएगा देखो, तो इन सभी पदों के लिए आर का मान क्या करेगा, ये एक्स की पावर टू एम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा देखो इसके अंदर, यानी अपन ये कह सकते हैं आर का मान क्या होना चाहिए देखो, एक जीरो या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए देखो, और आर का मान जीरो या धनात्मक पूर्णांक कब आएगा, यदि एन माइनस टू एम का मान अपन क्या ले तीन छः नौ ये ले देंगे, और तीन छः नौ ये क्या हो गए देखो, तीन के मल्टीपल हो गए देखो, तीन छः नौ ये क्या हो गए, तीन के गुणज हो गए देखो, समझ रहे हो बात, एन माइनस टू एम क्या हो गया तीन का गुणज हो गया देखो, तो अपन इस बात को ऐसे लिख देते हैं देखो, एक्स की पावर टू एम उसमें एग्जिस्ट करेगा देखो, एक्स की पावर टू एम प्रसार में आएगा ये थी, प्रसार में आएगा ये थी, यदि आर जीरो या जीरो या पॉजिटिव इंटीजर हो देखो, धनात्मक पूर्णांक हो देखो, और ये तभी संभव है ये तभी संभव है ये थी
एन माइनस टू एम बराबर क्या हो, 3, 6, 9, ये हो देखो, अर्थात एन माइनस टू एम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो 3 का गुणज होगा, एन माइनस टू एम अगर 3 का गुणज होगा तभी ये पद इसके अंदर आएगा, देखो ये बात अपन कह सकते हैं। कल अपन बात कर रहे थे देखो r का मान क्या होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, देखो और 0 या पॉजिटिव इंटीजर तभी आएगा यदि n माइनस टू एम का मान अपन 3 ले ले, 6 ले ले, 9 ले ले, देखो n माइनस टू एम का मान अगर 3 लेंगे तो r का मान 0 बन जाएगा, तो 6 ले लेंगे तो इसका मान कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, देखो ये बात समझ रहे हो। और इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो 3, 6, 9 ये क्या है, 3 के गुणज है, देखो 3 के गुणा में तो आते हैं, विगुणज का मतलब गुणा में आना, तो 3 के गुणा में आते हैं, देखो ये सारे 3 के मल्टीपल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, देखो तो इसका मतलब एन माइनस टू एम क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ऐसे एक क्वेश्चन और था, देखो एक क्वेश्चन और है, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n की प्रसार में x की पावर p का कोफिशियंट यहाँ पूछा गया, देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, देखो 2nc p माइनस 3, देखो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, देखो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, करके देखो एक बार सारे अपनी कॉपी में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n के प्रसार में एक्स की पावर p का कोफिशिएंट अपने को पूछा गया, देखो तो एक्स की पावर p कौन से पद में आएगा अपन वो देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन r का मान निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपन r का मान निकालेंगे तो देखो अल्फा का मान तो हो गया 1, अल्फा का मान तो 1 हो गया, देखो सॉरी अल्फा का मान तो 2 हो गया, देखो बीटा का मान 1 हो गया, देखो अल्फा बराबर 2 हो जाएगा, बीटा बराबर 1 हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2n हो जाएगा, एम बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, उससे अपने कंपैरिजन कर लिया, जो फॉर्मूला अपन लिखते हैं देखो यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से r का मान अपन देख रहे हैं, देखो r का मान क्या होता है, देखो सूत्र होता है एन अल्फा होता है, देखो एन अल्फा तो यानी कितना बन जाएगा 4n, एन अल्फा हो गया, देखो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है, देखो आ जाएगा आर का मान आ गया 4n माइनस पी अपॉन 3 आ गया, देखो ये आ गया, सही है बात, आर का मान इतना आ गया, देखो आर का मान इतना आएगा तो पद कौन सा हो जाएगा, देखो आर प्लस वन हुआ, आर प्लस वन हुआ हो जाएगा, देखो ये आर प्लस वन हुआ पद ही तो आएगा, आर का मान अगर इतना आता है तो आर प्लस वन हुआ, एक बार मैंने शॉर्ट में लिख दिया आर प्लस वन हुआ लिख दिया उसको, फिर आर का मान रख देंगे अपन, देखो अब आर प्लस वन हुआ पद निकालो, देखो कितना आएगा आर प्लस वन हुआ पद, क्या सूत्र हो जाएगा आर प्लस वन पद का, 2nCr, आर प्लस वन पद का सूत्र ही हो जाएगा, देखो 2nCr यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस आर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अब यहाँ पे अगर अपन देखें गुणांक की बात करें अपने को केवल गुणांक पूछा गया, देखो इस पूरी स्टेप से तो अपने को एक्स की पावर p मिल जाएगा, देखो तो यहाँ पे आप सोल्व करके देख सकते हो, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो देखो 2nCr हो गया, देखो इस पूरी स्टेप को अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ आएगा, देखो ये बनेगा 4n माइनस 2r, इस स्टेप को ऊपर ले आएंगे तो ये भी माइनस r आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे अगर आप r का ये मान रखोगे, देखो r का मान अगर यहाँ पे ये रखेंगे तो ये तो पूरा बनेगा, देखो p बन जाएगा, ये तो p बन जाएगा, देखो और गुणांक क्या आ गया, देखो इसका गुणांक अपने को पूछा गया था, देखो तो यहाँ पे गुणांक क्या आ रहा है, गुणांक कितना आ रहा है, देखो 2nCr आ रहा है, देखो आर का मान अपन रख देंगे वहां से, तो आर का मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2nC4n माइनस p अपॉन 3 आएगा, देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार सारे,
कोई भी अलग नहीं है, जो कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे सेम वही क्वेश्चन है। देखो इस प्रसार में अपने को एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट पूछा गया, देखो सुनेंगे इधर, इस प्रसार में एक्स की पावर पी का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो सबसे पहले अपने उससे कंपेरिजन कर ली रहे, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपन एक्स की जो फॉर्मूला अपन लेते हैं उससे कंपेरिजन किया, देखो तो अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया, ये आ गया देखो, फिर आर का मान लिख लिया देखो अपन ने, ये आर का मान आ गया देखो। अब आर का मान अगर पाँच आता है तो पद कौन सा होता है, छठा, तो सीधा ही मैंने ऐसे लिख दिया इसको एक बार भी, आर का मान इतना आ रहा है तो पद कौन सा हो जाएगा, आर प्लस वन वा पद हो जाएगा, फिर आर प्लस वन वा पद मैंने निकाला देखो, आर प्लस वन वा पद मैंने निकाला तो इतना आ गया देखो, ये आ गया आर प्लस वन वा पद। अब अपने को एक्स की पावर पी का गुणांक देखना था, तो इससे तो अपने को मिलेगा पी मिलेगा देखो इससे, तो एक्स की पावर पी का कोफिशियंट ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एक्स की पावर पी, एक्स की पावर पी का कोफिशियंट कितना हो जाएगा, टू एन सी आर हो जाएगा देखो, आर का मान मैंने वहां से रख दिया देखो, ये रख दिया, तो ऑप्शन कौन सा आएगा देखो, सेकंड सही आएगा, बताओ देखिए बात समझ रहे हो नहीं, कितना आ जाएगा देखो, टू एन सी फोर एन माइनस पी अपॉन थ्री आ जाएगा, लिख लो इसको, कितना आएगा देखो, उसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखो प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात करना है, प्रसार में पदों की संख्या, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो प्रसार में पदों की संख्या अपन कैसे देख सकते हैं, देखो प्रसार में पदों की संख्या देखना, देखो कोई भी प्रसार अपन लिख रहे थे उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आती है देखो, तो एक सीधा यहाँ पर मल्टीनोमियल थ्योरम होती है, वहां से अपन एक फॉर्मूला अपन देख सकते हैं, देखो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x की पावर n है, देखो की पावर n है, देखो x1 प्लस x2 प्लस xk की पावर n है, देखो k प्रसार में अगर पदों की संख्या देखनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो जनरली अपन एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं देखो, तो सभी के लिए लग जाएगा देखो, इसके प्रसार में पदों की संख्या का सूत्र होता है देखो, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये सूत्र होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स के की पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या देखने का ये सूत्र होता है, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे के टर्म आ रही है, मान लो यहाँ अगर के टर्म्स आ रही है तब ये सूत्र लगेगा, देखो के टर्म्स आ रही है तब ये सूत्र लगेगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा कितना, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, याद रखना। जैसे अपन द्विपद पर में अपन लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी देखो, वैसे अपन जानते ही एन प्लस वन होती है देखो, इस सूत्र से भी उतनी आएगी देखो, अगर एक्स प्लस वाई की पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या अगर देखें तो कितनी हो जाएगी देखो, इस सूत्र से अगर अपन देखें तो देखो, एन की जगह तो कितना हो गया देखो, एन हो गया, एन की जगह तो एन हो गया देखो, K का मान कितना हो गया, दो, दो हो गया K का मान दो हो गया, नीचे आ जाएगा यहाँ पे देखो सी के माइनस वन यानी दो माइनस एक, ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन सी वन, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, और अपन ये बात जानते हैं एन सी वन का मान कितना होता है, n होता है देखो, n होता है, ये वही बात है, एन प्लस वन को उल्टा एक बार लिख देंगे देखो, एन प्लस वन को उल्टा एक बार लिखने का मतलब एन प्लस वन, ये आएगा a प्लस बी की पावर n या x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, n प्लस वन होती है, वैसे भी अपन देख रहे थे प्रसार में पदों की संख्या n प्लस वन ही आती है, तो x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या इतनी हो जाएगी देखो, ये अपन देख सकते हैं, किसी में भी अगर अपने को देखना है तो इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं, कोई भी प्रसार अगर अपन लिख रहे हैं तो इस सूत्र से निकाला जा सकता है, कोई भी अपन लिख रहे हैं, मान लो ये लिख रहा हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लिख रहा हूँ की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या पूछी गई है, के प्रसार में पदों की संख्या पूछी गई है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या पूछी गई है, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा भी गया ऐसा क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा जा चुका है, कितना आ जाएगा देखो, n का मान तो कितना हो गया यहाँ पे अगर अपन देखें तो n का मान तो हो गया देखो 10, k का मान कितना हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, k का मान 4 हो जाएगा, चार टर्म्स है ना वहाँ पे, अगर k टर्म्स होती है तब अपन k कहते हैं देखो, 4 टर्म्स है इसलिए 4 कहते हैं देखो, तो कितना आ जाएगा देखो,
इसमें सूत्र में मान रख रहे हैं, देखो टेन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, सी के माइनस वन का मतलब 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो 13 C3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब 13 C3 का मान अपन निकाल सकते हैं ना, देखो 13 C3 का मान कैसे निकालेंगे, 13 को उल्टा 3 स्थान तक लिख देंगे, देखो 13 को उल्टा 3 स्थान तक लिखेंगे, 13 × 12 × 11 आएगा, देखो ये आएगा। 13 C3 का मान अगर देखें तो 13 को उल्टा लिख लेंगे 3 स्थान तक, देखो 3 को सीधा लिख देंगे 1 × 2 × 3 ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो 286। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, 286 आएगी, 286 अपन देख सकते हैं। सीधा अपन ये फॉर्मूला अपन काम में ले लेंगे, देखो जनरल एक सूत्र है वो अपन काम में ले लेंगे, देखो पूछा भी गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर ऐसा एक बार 2016 में पूछा गया था, देखो सेकेंड ग्रेड 2016 में ये पूछा गया था, देखो सेकेंड ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था के प्रसार में पदों की संख्या पूछी गई थी, के प्रसार में पदों की संख्या पूछी गई थी। बताना नहीं कितनी आएगी इसके पदों की संख्या, देख सकते हैं ना प्रसार में पदों की संख्या कितना हो जाएगा, देखो 17 + 3 - 1 C3 - 1 दिया जाएगा। सूत्र अभी अपन पढ़ रहे थे n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन होता, देखो तो ये हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 19 को उल्टा 2 स्थान तक लिख देंगे, देखो 2 को सीधा लिख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 171। सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा गया, देखो ऐसा आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है चार क्यों होगा, वो तो x1 + x2 टर्म्स, 3 टर्म्स की काउंट करेंगे इनको या 3 पद काउंट करेंगे या 4 काउंट करेंगे भाई, कहीं भी अगर आप ये लिख रहे हो जैसे 2x + 3y + 4z लिख रहे हो जैसे, तो इनमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है पदों की संख्या, अब इनको ये काउंट करेंगे 2 तो x हो गए और 3 ही हो गए 5 और 4 9 9 पद काउंट करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है, 2x + 3y + 4z है तो पदों की संख्या 3 है यहाँ पर, ये तो कोस्टेंट अचर है, इसके गुणांक है, यहाँ पे इनको कोई पद थोड़ी काउंट करेंगे। देखो एक कुछ एक छोटी चीज अपन और पढ़ रहे हैं, देखो अंत से कोई पद अगर ज्ञात करना हो तो कैसे अपन ज्ञात करेंगे, अंत से पद ज्ञात करना, थोड़ा सा एक बार बेसिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं, देखो फिर कुछ डिफिकल्ट चीजें पढ़ेंगे, देखो अंत से कोई पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो कई बार अपने वो कहते हैं जैसे कोई भी प्रसार दे देंगे, मान लो x + 1/(x^10) है, इसके अंत से दूसरा पद निकालो या अंत से तीसरा पद निकालो, ऐसे कई बार पूछा जाता था, तो सीधा सा बिल्कुल तरीका है, देखो सुनो इधर सुनो, जैसे x + a^n के प्रसार में अपने को अंत से r + 1 वा पद पूछा जाता, देखो बिल्कुल आसान सा तरीका सुनेंगे, देखो इधर अगर x + a^n के प्रसार में मान लो अंत से आपको r+1 वा पद अगर पूछा जाता है तो कोई अपने को ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो x और a को बदल के लिख देंगे, देखो x और a को बदल के लिख देंगे, फिर प्रारंभ से r+1 वा पद ज्ञात कर लेंगे, देखो प्रारंभ से जो r+1 वा पद आएगा वो इस प्रसार में क्या आएगा, अंत से r+1 वा पद आएगा, देखो सुनेंगे, देखो इधर अंत से r+1 वे पद की अपन बात कर रहे हैं, देखो x + a^n के प्रसार में अगर अंत से r+1 वा पद अगर अपने को पूछा जाता है, देखो तो अंत से r+1 वा पद अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो अपन ये सूत्र पढ़ते हैं ना भी r+1 वा पद ज्ञात करने का सूत्र अपन ये पढ़ते हैं, देखो प्रारंभ से r+1 वा पद ज्ञात करने का ये सूत्र पढ़ते हैं, देखो ये सूत्र पढ़ते हैं, देखो तो अगर अंत से r+1 वा पद अगर पूछा जाता है तो x और a को आपस में बदल देंगे, फिर ये सूत्र लगा देंगे, देखो
एक्स और ए को बदल के आपस में बदल के फिर प्रारंभ से अपन आर प्लस वन वापस याद कर लेंगे। देखो प्रारंभ से आर प्लस वन वापस उतना ही आएगा जितना अंत से आर प्लस वन वापस आएगा। इस प्रसार में जो प्रारंभ से आर प्लस वन वापस आएगा उतना ही इस प्रसार में अंत से आर प्लस वन वापस आएगा। देखो तो एक शॉर्ट तरीका अपन देख सकते हैं, देखो लिख लेना ये लिख लेना देखो x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, के प्रसार में अंत से r प्लस वनवा पद, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस वनवा पद बराबर होता है। देखो इसके यानी x और a को बदल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लेना बात, x और a को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा a प्लस x की पावर n के प्रसार में प्रारंभ से r प्लस वन वापस। ऑब्जेक्टिव में अपन कर रहे हैं सीधा देख सकते हैं भाई, प्रारंभ से r प्लस वन वापस। ए प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में प्रारंभ से आर प्लस वन वापस। देखो सुनेंगे, देखो एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में अगर अंत से आर प्लस वन वापस निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो ए और एक्स को आपस में बदल के निकाल लिखना। देखो फिर प्रारंभ से अपन आर प्लस वन वापस निकाल लेंगे। देखो प्रारंभ से आर प्लस वन वापस उतना ही आएगा जितना इस प्रसार में अंत से आर प्लस वन वापस आएगा। देखो देख सकते हैं इक्वेशन करके देखना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अपने को ये दे रखा है x क्यूब अपॉन 2 दे रखा है, की पावर 9 दे रखा है, के प्रसार में अंत से तीसरा पद पूछा गया है। एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9 के प्रसार में अंत से अपने को तीसरा पद पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा तरीका, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। देखो इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर देंगे। देखो ऐसे लिख देंगे, देखो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिख देंगे एक्स क्यूब अपॉन 2 लिख देंगे की पावर 9 के प्रसार में प्रारंभ से तीसरा पद निकाल लेंगे। देखो प्रारंभ से तीसरा पद अपन निकाल लेंगे। देखो यानी इन दोनों को इंटरचेंज करके अपन प्रारंभ से तीसरा पद निकाल लेंगे। देखो कितना आ जाएगा प्रारंभ से तीसरा पद निकाल के, देखो देखो एक बार सारे निकालेंगे अपनी कॉपी के अंदर तीसरा पद। तीसरे पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। करके देखो एक बार सारे करके देखो भी, तीसरे पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 तो आएगा 9C2 आएगा। देखो 9C2 आएगा, समझ रहे हो क्या, आर प्लस वन वापद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। देखो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर होता है। देखो ये सूत्र होता है, तो ये आ जाएगा कितना, देखो 9C2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा कितना, देखो n माइनस आर होता है तो 9 माइनस 2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा r, r का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये बात ठीक है क्या था। अब इसकी कैलकुलेशन करो, देखिए कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन करना देखिए एक बार।
निकाल सकते हैं ना इसका कितना आएगा, इसका मान 9c2 का मान कितना आ जाएगा, देखो 9 को उल्टा अपन लिख देंगे दो इस तरह से, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा ना, 2 की पावर कितना बन रहा है 7, ये बन जाएगा, यहाँ एक्स की पावर कितना बन जाएगा, देखो 14 बन जाएगा, यहाँ बन रहा है एक्स की पावर कितना बन रहा है 6 बन रहा है, नीचे 2 की पावर 2 बन जाएगा, पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो माइनस है, माइनस 1152, साथ में आ जाएगा एक्स की पावर कितना आ जाएगा, देखो -8 यानी अपने को क्या पूछा गया था, सुनेंगे देखो इधर दोनों तरफ से अपन देख रहे हैं, देखो इस प्रसार में अपने को अंत से तीसरा पद पूछा गया था, देखो इस प्रसार में अपने को अंत से तीसरा पद पूछा गया था, अपने इस तरीके से निकाला, देखो अपने इसको दोनों को इंटरचेंज कर दिया और फिर प्रारंभ से अपने तीसरा पद निकाल दिया, देखो वैसे आप अंत से तीसरा पद निकाल के देख लो इतना ही मिलेगा, देखो भी वैसे अंत से तीसरा पद निकाल के देख लो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इसके अंदर टोटल पद अगर देखें तो कितने होंगे, देखो 10 होंगे, देखो ये 10 हो गया, जैसे इससे पहले वाला पद 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर चलते जाएंगे, देखो ऐसे टोटल अगर पद देखें तो देखो घात 9 है, देखो यहाँ पे घात अगर 9 होती है तो पदों की संख्या एक ज्यादा होती है, यानी कितनी होती है 10 होती है, देखो अब अंत से अपने को तीसरा पद पूछा गया था, देखो अंत से तीसरे पद का मतलब कौन सा पद पूछा गया था अपने को, ये पद पूछा गया था, देखो 8वां पद पूछा गया था, तो अंत से अगर तीसरा पद निकालना है तो प्रारंभ से वो क्या हो गया 8वां पद ही तो हो गया, तो वैसे उस प्रसार में चाहे आप 8वां पद निकाल लो, उस प्रसार में अगर आप 8वां पद निकालोगे तो इतना ही मिलेगा आपको, उस प्रसार में 8वां पद निकालेंगे तो वही आएगा 9c कितना आ जाएगा 7 आएगा, फिर एक्स क्यूब अपॉन में इतना आएगा, देखो एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर आएगा 9 - 7 आएगा, देखो और फिर आएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना आएगा 7 आएगा, अब इस स्टेप को सोल्व करोगे तो इतना ही मान आएगा, देखो इसका सेम ही तो मान आ रहा है भाई, 9c7 को अपन क्या लिख सकते हैं 9c2 भी लिख सकते हैं, देखो 9c7 को 9c2 लिखा जा सकता है, देखो तो जब भी आपको अंत से कोई पद पूछा जाए तो कोई इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना, केवल उन दोनों को इंटरचेंज करना और फिर प्रारंभ से वो पद निकाल देंगे, देखो उन दोनों को इंटरचेंज करके प्रारंभ से अपन तीसरा पद निकाल लेंगे तो उतना ही पद आएगा, देखो उतना ही मान आता है, ये अपन देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपन और करके देख लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 दे रखा है, के प्रसार में अपने को अंत से n+1वां पद पूछा गया, देखो अंत से अपने को n+1वां पद पूछा गया, देखो के प्रसार में अपने को अंत से n+1वां पद पूछा गया है, करके देखो एक बार, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, देखो -1 अपॉन x + x की पावर 3 n के प्रसार में, के प्रसार में प्रारंभ से n+1वां पद निकाल लेंगे, प्रारंभ से n+1वां पद निकाल लेंगे, प्रारंभ से n+1वां पद निकाल लेंगे, निकाल के देखो, देखिए n+1वां पद कितना आता है, प्रारंभ से अपन n+1वां पद निकाल रहे हैं कितना जाएगा, देखो n+1वां पद क्या सूत्र हो जाएगा 3nCn, ये हो जाएगा r का मान n हो जाएगा ना, फिर आएगा कितना देखो -1 अपॉन x की पावर कितना आएगा 3n - n, x की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा 3nCn, माइनस की 1 की पावर कितना हो जाएगा देखो 2n, x की पावर हो जाएगा 2n, साथ में x की पावर n हो जाएगा, इसको +1 लिख सकते हैं ना, देखो ये -1 का स्क्वायर बन गया, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, तो यहाँ से ही आएगा 3nCn, x की पावर कितना हो जाएगा -n, तो इस प्रसार में अंत से तीसरा पद कितना आ जाएगा, देखो अंत से n+1वां पद इतना आ जाएगा, देखो 3nCn x की पावर -n आ जाएगा, कोई सामान्य ज्यादा है नहीं, इंपॉर्टेंट कोई बात है नहीं, एक देखो नोट लगा के लिख लेना, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट तरीका अपन देख सकते हैं, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पी वे पद तथा क्यू वे पद के गुणांक बराबर हो तो क्या कंडीशन बनेगी वो अपन देख रहे हैं। देखो वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पी वे पद तथा क्यू वे पद के गुणांक बराबर है, देखो के कोफिशिएंट बराबर है। देखो यहां से एक शॉर्ट कंडीशन अपन निकालेंगे, देखो वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में देखो पीवा पद है और क्यूवा पद है, उसके जो गुणांक है ना वो बराबर है, द्विपद गुणांक बराबर है। देखो तब क्या कंडीशन बनेगी वो अपन देख रहे हैं। देखो सुनो इधर सुनना, देखो एक बार भाई, वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में अगर पीवे पद का गुणांक देखेंगे तो पीवे पद का गुणांक कितना आएगा, यानी अपने को ये दे रखा है कि पीवे पद का जो गुणांक है वो बराबर है किसके, क्यूवे पद के गुणांक के। देखो और पीवे पद का अगर गुणांक देखें तो कितना आएगा पीवे पद का गुणांक, जैसे आर प्लस वन वहां पर लिखते हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक बार, जैसे अपन आर प्लस वन वहां पर लिखते हैं तो आर वन आर प्लस वन वे पद का गुणांक कितना होता है, एन सी आर ही तो होता है। आर प्लस वन वे पद का गुणांक होता है कितना, एन सी आर, तो पीवे पद का गुणांक कितना हो जाएगा, एन सी पी माइनस वन। पीवे पद का गुणांक तो हो जाएगा देखो एन सी पी माइनस वन, और क्यूवे पद का गुणांक कितना हो जाएगा देखो एन सी क्यू माइनस वन, ये अपन लिख सकते हैं। देखो अब यहां से कंडीशन अपन निकाल सकते हैं, देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो एन सी एक्स बराबर अगर एन सी वाई होता है तब या तो क्या होता है देखो एक्स बराबर वाई होता है, या क्या होता है देखो इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, एक इसके बराबर होता है। उस कंडीशन से अपन देख सकते हैं, देखो एन सी आर बराबर अपन लिखते हैं ना एन सी एन माइनस आर, ऐसे अपन लिखते हैं। देखो भाई दो जो ये संचय है ना, देखो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, या तो ये मान और ये मान बराबर हो देखो तब तो अपन बराबर लिख ही सकते हैं। अब इसका मान भी साथ हो इसका मान भी साथ हो तो एन सी सेवन बराबर एन सी सेवन अपन लिख सकते हैं, या क्या होना चाहिए देखो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए। देखो इन दोनों का योग है वो किसके बराबर, ऐसे तो अपन लिख रहे हैं भाई, जैसे मान लो टेन सी एट है उसको अपन बराबर लिखते हैं, देखो टेन सी टू के बराबर लिखते हैं, तो टेन सी एट को अपन टेन सी टू के बराबर कब लिख रहे हैं, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है, दस के बराबर आ रहा है, तभी तो दोनों को बराबर लिख रहे हैं। तो वैसे ही अपन ये कहते हैं कि एन सी एक्स बराबर अगर एन सी वाई है तब या तो एक्स बराबर वाई होता है या इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। अब यहाँ अगर पी माइनस वन बराबर क्यू माइनस वन ले लेंगे तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि इन दोनों का जो योग है पी माइनस वन और क्यू माइनस वन, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, फिर एन के बराबर होगा। देखो एन के बराबर होगा, देखो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, देखो पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा एन प्लस टू आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। एक मिनट सुनना, देखो इधर कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा, देखो कोई भी प्रसार दे देंगे अपने को ये कहेंगे कि वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में देखो टू आर वे पद और आर माइनस वन वे पद के गुणांक बराबर है, देखो तब एन का मान निकालो। देखो तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन एक फॉर्मूला बना रहे, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में अगर पी वे पद और क्यू वे पद के अगर गुणांक बराबर होंगे तो पी प्लस क्यू हमेशा बराबर आएगा किसके, एन प्लस टू के। देखो अगर पी वे पद और क्यू वे पद दोनों के गुणांक अगर बराबर है तो दोनों को जोड़ के किसके बराबर करना है आपको, देखो एन प्लस टू के बराबर करना है। पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा। देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो पी वे पद का गुणांक तो कितना हो गया, देखो एन सी पी माइनस वन हो गया। क्यू वे पद का गुणांक कितना हो गया, देखो एन सी क्यू माइनस वन हो गया। देखो अब या तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा किसके, एन के बराबर होगा। देखो तो इन दोनों को बराबर रखेंगे तो वही पी बराबर क्यू बन जाएगा, तो इसलिए अपन इन दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर रख रहे हैं, एन के बराबर रख रहे हैं। तो p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन बराबर कितना आ गया, n आ गया। देखो यहाँ से p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा किसके, n प्लस टू के बराबर हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपको याद करनी है, देखो पी वे पद और क्यू वे पद का अगर गुणांक बराबर है तो p प्लस क्यू किसके बराबर होता है, देखो n प्लस टू के बराबर होता है। अगर पी वे पद और क्यू वे पद का अगर गुणांक बराबर है तो p प्लस क्यू बराबर होगा किसके, n प्लस टू के, ये अपन कह सकते हैं। लिख लो इसको, लिखो देखिए एक बार, पी वे पद और क्यू वे पद के अगर गुणांक बराबर होते हैं तो पी प्लस क्यू बराबर होता है किसके, एन प्लस टू के बराबर होता है। पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा कितना, देखो एन प्लस टू हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है यहां पर, देखो जैसे ये दे रखा है, देखो वन प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर दे रखा है 18 दे रखा है,
वन प्लस एक्स की पावर दे रखा है 18, के प्रसार में 2r+4v, 2r+4v तथा r-2v, r-2v पदों के गुणांक, के गुणांक बराबर है तब अपने को r का मान पूछा गया है। 1 प्लस एक्स की पावर 18 के प्रसार में इस पद और इस पद के गुणांक बराबर है तब अपने को r का मान पूछा गया है। सारे इधर सुनेंगे, देखो एक बार लिख लो पहले क्वेश्चन। अभी अपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो सुनना, इधर सुनना, देखो अपन ने ये पढ़ा था इस प्रसार में अगर पी वे पद और क्यू वे पद दोनों के अगर गुणांक बराबर हो तो पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है, देखो एन प्लस टू के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये तो कंडीशन अपने पढ़ी थी। अब पी वा पद कौन सा हो गया, देखो ये पद हो गया, तो पी की जगह तो कितना आ जाएगा, देखो 2r+4 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बात समझ रहे हो, पी का मान तो हो गया देखो 2r+4, क्यू का मान कितना हो गया, देखो r-2 बराबर एन प्लस टू, एन का मान कितना हो गया देखो 18 हो गया, प्लस आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब यहां से अपन आर का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आर का मान 2r, और आर कितना हो जाएगा 3r, इधर आ रहा है कितना देखो 20, यहां से आर का मान कितना आ गया 6 पूछा था, ये आर का मान अपने को पूछा गया था, 1 + x^18 के प्रसार में इस पद के और इस पद के अगर गुणांक बराबर हो तो r का मान अपने को पूछा गया था, देखो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, दोनों को जोड़ के बराबर रख देंगे, किसके n प्लस टू के बराबर रख देंगे, देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं r का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, देखो अब आप देख भी सकते हो, देखो ये देख भी सकते हैं आर का मान अगर अपन 6 ले लेते हैं तो इन दोनों पदों के गुणांक आपको बराबर ही मिलेंगे, देखो आर का मान अगर यहाँ पे अपन 6 लेते हैं तो आर का मान यहाँ पे 6 लेने का मतलब कौन सा पद हो गया, आर का मान 6 लेने का मतलब ये 16वां पद हो गया, देखो 16वां पद हो गया, अब 16वें पद में आप गुणांक निकाल के देख लो, देखो ये हो गया 16वां पद हो गया, देखो 16वें पद में अगर अपन गुणांक निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 16वें पद का गुणांक 18c15 ये आएगा, ये याद करो भाई 16वें पद का गुणांक लिखना है तो आर का मान एक कम हो जाएगा, सीधा ही अपन लिख देंगे 18c15 लिख देंगे, समझ रहे हो बात, ऐसे ही यहाँ पे देखो आर का मान अगर अपन 6 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 4था पद 4वां पद आएगा, देखो 4वें पद का गुणांक अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 4वें पद का गुणांक 18c3 आएगा, 18c3 आएगा, अब अपन जानते हैं 18c15 और 18c3 क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, 18c15 को अपन 18c3 भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो यदि r का मान अगर अपन 6 लेते हैं तो इन दोनों पदों के गुणांक क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, देखो ये पूछा गया था, देखो देख भी रहे हैं अपन दोनों पदों के गुणांक क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, दोनों पदों के गुणांक क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, देखो जैसे देखो अपन ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, 1 + x^34 है, देखो के प्रसार पे r-5v तथा 2r-1v गुणांक बराबर है, देखो पदों के गुणांक बराबर है तब आपको r का मान पूछा गया, देखिए इन दोनों पदों के गुणांक बराबर है तब अपने को r का मान पूछा गया है, खुद करके देखो एक बार कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबके समझ में आना चाहिए भाई ये तो, अब अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एक मिनट सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार ये तो समझ में आना ही चाहिए, अब ही बात कर रहे थे, देखो ये तो पी पद हो गया, ये क्यू पद हो गया, सूत्र था पी प्लस क्यू बराबर एन प्लस टू, तो पी का मान रख दिया मैंने, देखो ये तो पी हो गया प्लस क्यू हो गया, देखो ये 2r-1 बराबर हो जाएगा कितना, देखो एन प्लस टू हो गया, देखो कुछ समझ में ऐसी बात है ही नहीं, देखो इसमें समझ में नहीं आई, ये पी प्लस क्यू बराबर एन प्लस टू रखना आपको, ये पी वापद हो गया, ये क्यू वापद हो गया, बराबर हो जाएगा एन प्लस टू, एन का मान यहाँ पे हो गया 34 हो गया, देखो नहीं समझ रहेगा, अब आर का मान अपन देख सकते हैं कितना हो जाएगा, आर का मान देखो 3r- हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 36, आर का मान कितना हो जाएगा देखो 14,
इतना बड़ा क्वेश्चन था, बस ये पूछा गया था। पी प्लस क्यू बराबर होता है एन प्लस टू होता है, अगर दोनों पदों के गुणांक बराबर हो तो पी प्लस क्यू बराबर होता है एन प्लस टू, सीधा ये अपन निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 14 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो ऐसे करके, प्लस वन वे तथा क्यू प्लस वन वे पदों के गुणांक बराबर है, देखो पी प्लस वन वे तथा पी प्लस थ्री वे, पी प्लस थ्री वे पदों के गुणांक बराबर है, देखो P बराबर n होगा, P बराबर n माइनस वन होगा, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा सही है बताओ, देखिए इसके अंदर देखो, अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो इसको सल्व करेंगे तो, इसको अगर अपन सल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p प्लस वन प्लस p प्लस थ्री बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2n प्लस 2। ये तो फॉर्मूला अपने पढ़ा, देखो p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा, देखो इसको सल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2p प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा। P का मान अपने को निकालना है तो 2P बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 2N माइनस कितना हो गया 2, यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा N माइनस 1 हो जाएगा ना, P बराबर N माइनस 1, P बराबर आ जाएगा N माइनस 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखो, देखिए आप लोग ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन के प्रसार में, के प्रसार में चौथे व तेरहवें पदों के गुणांक बराबर है, देखो पदों के गुणांक बराबर है, देखो तब अपने को देखो इसमें x से स्वतंत्र पद पूछा गया, देखो तब x से स्वतंत्र पद अपने को पूछा गया, तब अपने को इसमें x से स्वतंत्र पद पूछा गया, देखो सारे अपने कॉपी के अंदर करके देखेंगे, देखो सबसे पहले अपने को n का मान निकालना पड़ेगा, फिर अपने को उसमें x से स्वतंत्र पद देखना पड़ेगा, वही तरीका लगाओ जो अभी अपन कर रहे थे। अपन ये कह रहे थे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन के प्रसार में चौथे व तेरहवें पदों के गुणांक बराबर है, तब एक्स से स्वतंत्र पद कौन सा है वो निकाल लो, केवल कौन सा ही निकाल लो, अभी अपन बात कर रहे थे देखो सबसे पहले तो यहां से कितना आ जाएगा, चार प्लस तेरह बराबर हो जाएगा किसके, एन प्लस टू के, देखो चार प्लस तेरह बराबर हो जाएगा किसके, एन प्लस टू के, देखो यहाँ से सल करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 17 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 15 हो गया, तो सबसे पहले तो n का मान 15 आ गया यहाँ पे। अब अपने को इस प्रसार में इस एक्सपेंशन में देखो अपने को x से स्वतंत्र पद पूछा गया, देखो x से स्वतंत्र पद पूछा गया, देखो n का मान 15 आ गया, अब इस प्रसार में अपने को x से स्वतंत्र पद पूछा गया, देखो तो x से स्वतंत्र पद पूछा गया तो कितना आएगा, देखो r का मान निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अल्फा का मान तो कितना हो गया, देखो 2, बीटा का मान कितना हो गया 1,
एन का मान कितना हो गया 15। स्वतंत्र पद पूछा गया इसका मतलब एम का मान कितना हो गया 0। कर सकते हैं बताओ, ये x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा से कंपैरिजन किया, देखो इसका सभी को आने चाहिए, ये तो आसान है। देखो r का मान निकालेंगे, देखो r का मान कितना हो जाएगा, देखो n अल्फा यानी 30 आ जाएगा, देखो n अल्फा माइनस m अपॉन में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, r का मान 10 आ जाएगा, देखो r का मान 10 अगर आ जाएगा तो पद कौन सा हो जाएगा, देखो 11 हो जाएगा, ये अपने को पूछा गया था। तो एक्स से स्वतंत्र पद कौन सा आएगा, 11वां पद आएगा। तो यहां तक देखो अपन बात कर रहे थे द्विपद पर में, अपन पढ़ रहे थे सामान्य बातें अपन इसके अंदर की हैं। देखो जैसे अपन r प्लस 1वां पद कैसे निकाल सकते हैं, या मध्य पद अपन कैसे निकाल सकते हैं, या कोई एक्स से स्वतंत्र पद वगैरह वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो बात अपन कर रहे थे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपन और आर्टिकल पढ़ रहे हैं, देखो महत्तम पद कैसे याद करते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, महत्तम पद ज्ञात करना, ग्रेटेस्ट टर्म। भी कोई भी अगर आप प्रसार लिख रहे हो तो उस प्रसार में सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, वो अपन एक तो प्रसार करके पता लगा सकते हैं। देखो एक सीधा ये अपन देख सकते हैं कि इस पूरे प्रसार में सबसे बड़ा पद कौन सा आएगा। देखो स्पेशल एजुकेशन में जो 2018 में जो एग्जाम हुई है वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो तो इसका सीधा अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं, देखो 1 प्लस माइनस ए एक्स लिखेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है आजकल, ये महत्व पद याद करना, परिमेय पद याद करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा कोई विशिष्ट पद वगैरह कम पूछते हैं। तो महत्व पद याद करना यहाँ पूछा गया, देखो 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन के प्रसार में, के प्रसार में महत्व पद अपन निकाल रहे हैं, के प्रसार में अपन महत्तम पद निकाल रहे हैं। 1 प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन के प्रसार में ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगी वो अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो एम का मान निकालना है। इसका जो मेथड है वो लिख लेंगे, देखो सर्वप्रथम अपन निकालेंगे एम का मान निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे एम का मान निकालेंगे। एम बराबर कितना होता है, देखो फॉर्मूला होता है ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन में होता है ए एक्स प्लस 1, प्लस माइनस अगर वहां पे प्लस माइनस है तो उसको छोड़ देंगे। देखो प्लस माइनस है तो उसको छोड़ देंगे, ए एक्स लिख लेंगे। देखने ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन में आएगा ए एक्स प्लस 1 आएगा। देखो इसकी गणना करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे एम का मान निकालेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो एम का मान निकालना है। एम बराबर आ जाएगा ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1, याद है ठीक है। यदि m का मान आ जाता है, मान लो पूर्णांक संख्या आ जाता है, देखो यदि m पूर्णांक हो, मैं नेगेटिव तो आएगा नहीं, देखो मापांक ले रहे हैं यहाँ पे, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। देखो यदि m पूर्णांक हो, देखो इंटीजर हो, तब तो महत्तम पद ये आएगा। देखो अगर m पूर्णांक हो तब महत्तम पद आएगा, देखो m वां पद और m प्लस 1 वां। यदि m पूर्णांक हो तब महत्तम पद आएगा, देखो m वां पद और m प्लस 1 वां पद। जैसे m का मान 3 आ गया तो महत्तम पद हो जाएगा तीसरा पद और चौथा पद, m का मान अगर 4 आ गया तो महत्तम पद हो जाएगा चौथा पद और पांचवा पद, सही है की बात याद है। यदि m का मान, मान लो पूर्णांक संख्या नहीं आता, देखो यदि m का मान पूर्णांक नहीं आता है, यदि m पूर्णांक नहीं हो, यदि m पूर्णांक नहीं हो, मान लो फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है या कोई भी संख्या आती है, देखो तब महत्तम पद ये होता है, देखो t महत्तम पूर्णांक m प्लस 1 ये होता है। यदि m पूर्णांक संख्या नहीं है तब महत्तम पद ये आएगा, देखो t महत्तम पूर्णांक m प्लस 1, लिख लो मैं बता रहा हूं। देखो अभी इसका मतलब ये, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक m से कम अथवा बराबर, महत्तम पूर्णांक m से कम अथवा बराबर, महत्तम पूर्णांक m से कम अथवा बराबर।
देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो जैसे वन, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया, अब ध्यान से सुनना। देखो वन प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन के प्रसार में अगर मैथम पद निकालना है तो सबसे पहले अपन एम का मान निकालेंगे। देखो इस उधर से यहाँ पे जो भी मान है, देखो यहाँ जो भी मान है उस मान को अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो एन का मान अपने पास होगा वो रख देंगे, ये रख देंगे। देखो सारे मान एम का मान आ जाएगा, फिर यदि एम का मान अगर इंटीजर आ जाता है, पूर्णांक संख्या आ जाता है, तब तो मैथम पद हो जाएगा। देखो एम ओ पद और एम प्लस वन ओ पद। यदि एम का मान अगर पूर्णांक नहीं आता है, मान लो 1.5 आ रहा है या 2.5 आ रहा है, देखो तब अपन मैथम इस तरीके से निकालेंगे। तब मैथम पद क्या हो जाएगा, टी मैथम पूर्णांक एम प्लस वन, ये हो जाएगा। मैथम पूर्णांक एम का मतलब क्या होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर पूर्णांक संख्या है ना, डेफिनेशन ये होती है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए महत्तम पूर्णांक एम से कम अथवा बराबर, यानी इसका मान हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा। देखो अगर दो है तो इसका मान क्या आएगा, दो ही आएगा। देखो अगर तीन है तो इसका मान कितना आता है, तीन ही आता है। देखो अगर दशमलव वाली संख्या जैसे 2.5 है तो इसका मान आएगा जस्ट छोटी वाली पूर्णांक संख्या के बराबर आएगा। देखो अगर 2.5 है तो इसको अपन लिखेंगे दो लिखेंगे, 2.9 है तो भी इसको अपन दो ही लिखेंगे। देखो दो ही लिखेंगे। देखो जैसे ही 3.2 होगा तब अपन क्या लिखेंगे, इसको तीन लिखेंगे। जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या के बराबर इसको अपन लिखते हैं। देखो तो अगर दशमलव वाली संख्या आ जाएगी तब महत्तम पूर्णांक एम लगा के लिख देंगे। देखो जैसे 2.9 मान लो 2.9 आ रहा है तो 2.9 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो तब महत्तम पद हो जाएगा कौन सा, तीसरा पद हो जाएगा। देखो तीसरा पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कोई भी प्रसार है उसमें महत्तम पद अपन देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखो इस सूत्र को अपन कोई भी मान लो प्रसार ले लो आप, जिसको अपन जानते हैं मान लो आसानी से, जैसे 1+1y3 की पावर 3 ले रहा हूं। देखो अब इस प्रसार में अपने को देखना है कि सबसे बड़ा पद कौन सा आएगा। देखो 1+1y3 की पावर 3 के प्रसार में सबसे बड़ा पद कौन सा आएगा वो अपने को देखना। देखो तो इसका प्रसार कर दो, वैसे प्रसार कर दो। देखो एक बार a क्यूब होता है, फिर कितना होता है, देखो 3a² b होता है, उस फॉर्मूले से करेंगे बस, 3a² b आएगा। फिर आएगा कितना, 3ab² आएगा, b² आएगा, प्लस आएगा b³ आएगा, b³ आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ गया, देखो 1+1 प्लस आ रहा है 1y3 प्लस आ रहा है 1y27 आ रहा है। देखो तो महत्तम पद अपन देख रहे हैं, देखो ये दोनों पद महत्तम पद आ रहे हैं। देखो ये सबसे बड़े पद ये दोनों पद ही तो आ रहे हैं। ये सूत्र से अगर निकालेंगे तो इतना ही आएगा। देखो ये सूत्र से अगर अपन एम का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले ए एक्स लिखना है, ए एक्स की जगह कितना हो गया, देखो 1y3 हो गया। देखो फिर एन प्लस वन लिखना है, एन का मान कितना हो गया, देखो 3 हो गया। देखो नीचे आएगा कितना, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स की जगह कितना हो गया, 1y3 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना बनेगा, देखो ऊपर बनेगा 4y3 और नीचे भी कितना बनना है, 4y3 ये बनना। देखो यानी इसका मान 1 आ रहा। देखो तो अगर m का मान अगर 1 आता है, इंटीजर अगर आता है, तो महत्तम पद कौन कौन सा होता है, एम वा पद और एम प्लस वन वा पद होता है। तो यहाँ हो जाएगा t1 और कौन सा हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो वैसे भी अपन देख रहे हैं, देखो t1 और t2 ही आ रहा। देखो वैसे भी अपन देख रहे हैं पहला और दूसरा पद ही आ रहा। देखो तो कोई भी प्रसार है उसके अंदर अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। देखो महत्तम पद अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। सेकेंड ग्रेड 2018 के अंदर स्पेशल एजुकेशन की जो एग्जाम होती है वहां पूछा गया था। देखो स्पेशल एजुकेशन की जो एग्जाम होती है वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये दे रखा था, ये थी x बराबर, ये देखो x बराबर है, देखो 2y3 तब 1+x^9 के प्रसार में महत्तम पद अपने को पूछा गया था। एक्स का मान अगर 2y3 है तब इस प्रसार में अपने को महत्तम पद पूछा गया था। देखो तो अभी जो अपन सूत्र पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, देखो 1+-ax^2 अगर n है तो उसमें m का मान निकालने का ये सूत्र था। देखो axn+1 अपॉन में था ax+1, ये सूत्र था। देखो ये था। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो m का मान कितना आ जाएगा, देखो m का मान यहाँ देखो ए एक्स की जगह यहाँ पे x है तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो x लिख दिया, x लिख दिया। देखो यहाँ पे ए एक्स है तो ए एक्स की जगह मैंने x लिख दिया। देखो फिर होता है n+1 होता है, n+1 का मतलब कितना हो जाएगा, 9+1। नीचे आ जाएगा कितना, ए एक्स प्लस वन यानी x+1 आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। अब x का मान रख दो, देखो x का मान रख देंगे यहाँ पे, x का मान कितना, देखो 2/3
ये हो जाएगा 10, नीचे भी आ जाएगा 2/3 + 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20/3, ये आ जाएगा कितना 5/3, ये आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका मान कितना आएगा 4 आएगा। एम का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी एक इंटीजर आ रहा है, देखो पूर्णांक संख्या आ रही है, देखो। और एम का मान अगर पूर्णांक आता है तो महत्तम पद क्या होता है, अभी अपन देख रहे थे, देखो महत्तम पद हो जाएगा एम वा पद और एम प्लस वन वा पद, यानी T4 और T5। तो अगर x बराबर 2y3 है तो 1 + x^9 के प्रसार पे महत्तम पद ही आएगा, देखो चौथा पद आएगा और पांचवा पद आएगा, ये अपन देख सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखो पूछा गया। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो ये दे रखा था, ये थी x बराबर 1y3 है, देखो तब अपने को पूछा गया था 4 + 2x^49 के प्रसार में महत्तम पद पूछा गया था, देखो के प्रसार में महत्तम पद पूछा गया था, देखो अब सारे इधर सुनेंगे, देखो पहले ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, देखो 1 + -ax^n होना चाहिए, देखो तभी अपन वो सूत्र लगाएंगे, देखो तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 बनाने के लिए देखो यहाँ से 4 अपन कॉमन लेंगे, सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, देखो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, बाहर आएगा 4^49 या 1 आ जाएगा, देखो 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x^2 आ जाएगा 49 आ जाएगा। ऐसी फॉर्म अपन बनाएंगे, देखो 1 + -ax^n वाली फॉर्म अपन बनाएंगे, देखो ये बात ठीक है कि देखो भाई सेम संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो इसमें जो महत्तम पद आएगा वही क्या होगा, पूरे के अंदर महत्तम पद होगा, तो इसमें महत्तम पद देख लेंगे बस, 4^49 अपन ने कॉमन ले लिया, देखो अब वो सूत्र अपन लगा रहे हैं, देखो एम का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो एम का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो यहाँ अगर ए एक्स होता है, देखो यहाँ अगर ए एक्स होता है तो अपन यहाँ ए एक्स लिखते हैं, यहाँ पे क्या देखो एक्स वाई टू है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई टू लिख देंगे, की पावर आ जाएगा n+1, तो 49+1 हो जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस वन यानी x^2 + 1 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x की जगह रख देंगे अपन 1y3 रख देंगे, देखो x की जगह रख देंगे 1y3 ये रख देंगे, x की जगह मैं रख रहा हूँ 1y3 रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कितना, देखो 50, यहाँ भी अपन x की जगह 1y3 रखेंगे तो 1y6 + 1 बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो 50/6, नीचे आएगा कितना, देखो 7/6 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे कैंसिल, तो यह आएगा कितना आएगा, देखो 7.1 मान लेते हैं, 7.1 आएगा, देखो यह आएगा, देखो तो अगर पूर्णांक संख्या नहीं आता है तब अपन क्या करेंगे, महत्तम पूर्णांक लेंगे, देखो ये पूर्णांक नहीं आ रहा, देखो इंटीजर नहीं आ रहा है, और इंटीजर नहीं आ रहा है तब अपन क्या करेंगे, महत्तम पूर्णांक लेंगे, देखो तब निकालेंगे अपन महत्तम पूर्णांक एम, ये निकालेंगे, देखो ये निकालेंगे, देखो लिख रहे हो ना सारे आराम से, देखो एम का मान यहाँ पे रख देंगे, देखो महत्तम पूर्णांक इसका मान कितना हो जाएगा 7.1 का मान 7, जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या पर लिखेंगे, देखो जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या पर लिखेंगे, देखो अब कितना आ जाएगा, देखो महत्तम पद अभी अपन ने बात की थी, फॉर्मूला ये होता है, देखो टी महत्तम पूर्णांक एम प्लस वन होता है, महत्तम पूर्णांक एम का मान 7 हो गया, देखो ये तो यानी कितना हो जाएगा 8वां पद, ये आंसर आएगा, महत्तम पद आ जाएगा 8वां पद आ जाएगा, देखो इस तरीके से अपन देख सकते हैं, देखो सबसे पहले अपने को देखो वो फॉर्म बनानी है 1 + -ax वाली फॉर्म बनानी है, देखो तो 1 बनाने के लिए अपने देखो 4 कॉमन लिया है, फिर इसके अंदर अपने महत्तम पद देखा, देखो ये ध्यान रखना, देखो अगर यहाँ पे माइनस हो तब देखो कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है 3 - 5x की पावर है 15,
के प्रसार में सबसे बड़ा पद पूछा गया देखो, के प्रसार में सबसे बड़ा पद पूछा गया देखो, के प्रसार में सबसे बड़ा पद पूछा गया है जब, एक्स बराबर दे रखा है 1/5 दे रखा है, करके देखो एक बार कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन इसके प्रसार में सबसे बड़ा पद पूछा गया जब, ये देखो सबसे पहले तो अपन यहां देखो वन बनाएंगे, सबको आना चाहिए क्वेश्चन, सबसे पहले यहां वन बनाएंगे देखो, तीन कॉमन ले लेंगे देखो, इसमें तो आएगा 1 - 5x/3 की पावर आ जाएगा कितना 15, 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपन ने कॉमन ले लिया देखो इसमें। अब इस प्रसार में सबसे बड़ा पद अपने को पूछा गया देखो, तो वही देखो m का मान निकालेंगे सबसे पहले, आप प्लस माइनस था देखो तो माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे केवल ax ही लिखेंगे देखो, अपन 5x/3 लिखेंगे देखो, 5x/3 लिखेंगे देखो, ये लिखेंगे वहां 1 प्लस माइनस होता है तो अपन केवल ax ही लेते हैं देखो, यहां आ जाएगा कितना देखो ax आ गया, फिर n प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 15 + 1, नीचे आ जाएगा ax प्लस 1 आ जाएगा, एक्स प्लस बना देगा, एक्स का मान रख देंगे देखो, एक्स की जगह पर रख रहे हैं देखो 1/5, एक्स की जगह पर रख रहे हैं देखो 1/5, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, एक्स की जगह 1/5 रख रहे हैं देखो, ये आएगा, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ऊपर बन जाएगा 16/3 और नीचे कितना बन जाएगा देखो 4/3, यानी 4 आ जाएगा देखो इसका, 4 का मतलब इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है देखो, तो महत्तम पद कौन सा हो जाएगा देखो, महत्तम पद अपन देख सकते हैं T4 और T5, चौथा पद और पांचवा पद आ जाएगा देखो, तो यहाँ पर देख रहे हैं देखो माइनस है तो भी प्लस लेना ही, ध्यान रखना देखो, 3 - 5x है तो माइनस नहीं लेना है यहाँ पर देखो, प्लस ही लेना है, 1 + - x के लिए सेम ही फॉर्मूला लगेगा देखो, देख सकते हैं, तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं देखो, कोई भी प्रसार में अगर महत्तम पद देखना है तो अपन कैसे देख सकते हैं। उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है देखो, a की पावर 1/b प्लस b की पावर 1/q, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आजकल एग्जाम में, a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n है देखो, जहां a और b क्या है देखो प्राइम नंबर है, जहां a व b क्या है अभाज्य संख्या है, जहां a व b क्या है अभाज्य संख्या है, जहां पे a व b क्या है अभाज्य संख्या है, के प्रसार में अपने को पूछा जाता है, पूछा गया देखो परिमेय पदों की संख्या, रेशनल टर्म परिमेय पदों की संख्या, परिमेय पदों या पूर्णांक के पदों, या अपन इसको कह सकते हैं देखो करणी रहित, करणी रहित पदों की संख्या है, अभी बताऊंगा देखो परिमेय पद का क्या मतलब होता है देखो भैया, अपन ये बात जानते हैं देखो, जैसे अंडर रूट तीन है मान लो, कोई भी अभाज्य संख्या होता है ना उसका जो अंडर रूट वगैरह होता है वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है देखो, अंडर रूट तीन है, अंडर रूट दो है, ये सारी क्या होती है देखो अपरिमेय संख्या होती है देखो, तो अपने वो ऐसे पदों की संख्या निकालनी है जिसमें अंडर रूट तीन अंडर रूट दो ये नहीं आए देखो, तब उसको अपन कहते हैं परिमेय पदों की संख्या देखो, यानी इस प्रसार में अपने वो परिमेय पदों या पूर्णांक के पदों या करणी रहित का मतलब वही है, जैसे 1/2, 1/3 वो नहीं आने चाहिए देखो, तो ऐसे पदों की संख्या अपन निकालना सीख रहे देखो, तो बिल्कुल आसान है देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन इसको समझ रहे हैं बात को देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे देखो, ये
यही इंपॉर्टेंट अभी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहले तो अपन एक जनरल मेथड से देख रहे हैं, फिर एक शॉर्ट मेथड से देखेंगे। देखो कि पावर दे रखा है अपने को 256 दे रखा है, कि पावर अपने को दे रखा है 256 दे रखा है, कि प्रसार में अपने को पूछी गई है परिमेय पदों की संख्या पूछी गई है। देखो इस प्रसार में परिमेय पदों की संख्या कितनी होगी वो अपने को पूछी गई है। देखो इस प्रसार में अपने को परिमेय पदों की संख्या पूछी गई है। देखो परिमेय पद का मतलब वो ये, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, देखो 3 की पावर 1/2 हो गया। देखो इसका मतलब ये √3 अपन कह सकते हैं, √3 है ये, 5 की पावर 1/8 है, ये सारे क्या होते हैं देखो, ये अपरिमेय पद होते हैं। देखो तो अपने को ये देखना है, देखो टोटल इस प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। इस प्रसार में अगर टोटल पदों की संख्या देखेंगे तो कितनी आएगी, जितनी घात होती है उससे एक ज्यादा होती है देखो पदों की संख्या। ये अपन बात कर रहे थे ना x+y की पावर n या a+b की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है, जितनी घात होती है उससे ज्यादा होती है, एक ज्यादा होती है। देखो तो वैसे अगर अपन देखें तो कुल पद तो कितने आएंगे, 257 आएंगे। देखो इसमें परिमेय पद कितने आएंगे, परिमेय पद का मतलब ये नहीं आना चाहिए, देखो √3 नहीं आना चाहिए, 5 की पावर 1/8 नहीं आना चाहिए, ऐसे पद नहीं आने चाहिए। देखो तो ऐसे पदों की संख्या कितनी होगी वो अपन देख रहे हैं। देखो तो एक तो अपन देखो इस तरीके से देख सकते हैं, देखो जनरल मेथड है अपन वो अपन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका r+1 अपन निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका r+1 अपन निकालते हैं। देखो सबसे पहले निकाल लेंगे अपन इसका r+1 अपन निकाल लेंगे। देखो कितना आ जाएगा r+1 पद, 256 cr आएगा। 256 cr आएगा। देखो यहाँ आ जाएगा कितना, 3 की पावर 1/2 की पावर आ जाएगा कितना, 256 - r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1/8 की पावर कितना हो जाएगा, देखो r याद है, ठीक है ना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो इस प्रसार में अगर अपने को देखो यहाँ सबसे पहले अपने को ये भी चेक करना है कि a और b अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो a और b अभाज्य संख्या हो जाएंगे तभी इस सूत्र की अपन बात करेंगे, क्योंकि √3 है, कोई भी अभाज्य संख्या होता है उसका जो मूल वगैरह होता है ना वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। देखो तो ये अगर अभाज्य संख्या है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। देखो तो यहाँ पर बात करें, देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं इसमें अपरिमेय पदों की संख्या कितनी आएगी, तो सबसे पहले लिख लेंगे जनरल टर्म लिख लेंगे। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे जनरल टर्म लिख लेंगे। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो कितना आ गया, देखो r+1 पद कितना आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं देखो 256 cr। थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूं, देखो 3 की पावर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 256 - r/2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 की पावर कितना हो जाएगा, r/8 हो जाएगा। इस टर्म को अपने ऐसे लिख दिए, देखो यानी अपने व्यापक पद निकाला, देखो जनरल टर्म अपने निकाली। देखो सही है बात, अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो अपने को ये देखना है कि 1/2, 1/8 इनको अपन कैसे हटा सकते हैं, भी आर का मान यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 1/2 हट जाना चाहिए, 1/8 हट जाना चाहिए। देखो तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसका बाद, देखो परिमेय पद होंगे ये थे, परिमेय पद होंगे ये थे, परिमेय पद होंगे यदि r का मान अपन क्या लें। देखो सुनो इधर, सुनो देखो एक बार भी, r बराबर अपन नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, r बराबर अपन 0, 1, 2, 3 ही ले सकते हैं। देखो तो r बराबर अगर अपन 0 लेते हैं तो देखो r बराबर 0 लेंगे तो ये 5 की पावर 0 बनेगा। देखो 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर अपन r बराबर 0 लेंगे तो r बराबर 0 लेने पे क्या आएगा, 3 की पावर 256/2 यानी कितना हो जाएगा, 128। और 3 की पावर 128 क्या है, परिमेय पद ही तो है भाई। अपरिमेय पद तो कौन सा होगा जिसमें √3 आएगा, देखो √3 आएगा, √5 आएगा या √ आएंगे, वो अपरिमेय पद होंगे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन r बराबर 0 ले लेते हैं तो 3 की पावर 128 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। देखो तो यदि मैं r बराबर 0 ले लूँ तो यहाँ तो जाएगा देखो 3 की पावर 128 और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 0। देखो यानी ये पद क्या बन जाएगा, एक परिमेय पद बन जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हैं, आर का मान अगर अपन 0 लेंगे तो ये पद क्या बन जाएगा, एक प्रीमियम पद बन जाएगा। देखो 1/2 भी हट जाएगा, 1/8 भी हट जाएगा। अपने को ये देखना है 1/2 और 1/8 कैसे हटा सकते हैं। देखो तो आर बराबर 0 लेने पे हटा सकते हैं। देखो और देखो, देखिए आर बराबर अपन क्या लें यहाँ पे, आर बराबर अगर जैसे मान लो मैं 1 लेता हूँ तो आर बराबर 1 लेने पे देखो ये 1/8 बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा तो वही 5 की पावर 1/8 रहेगा इसके अंदर। देखो आर बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो कितना आएगा, देखो 254 ये तो बन जाएगा, लेकिन ये 1/4 वगैरह आएगा। देखो तो सीधी सी बात है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। देखो जितना एलसीएम आता है उसके हिसाब से इसका मान रखते जाएंगे। देखो यहाँ पे
तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो तो अगर अपन आर बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आर बराबर अगर 8 लेंगे, देखो आर बराबर अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आर बराबर अगर 8 लेंगे तो आर बराबर 8 लेने का मतलब हो जाएगा 248, और 248 पे 2 का भाग देंगे 124 आएगा। देखो तो आर बराबर अगर 8 लेंगे तो 5 की पावर 1/8 भी हट जाएगा और 3 की पावर 1/2 भी हट जाएगा। देखो ये बात समझ लीजिए, देखो तो आर बराबर 0 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, फिर आर बराबर क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे, देखो फिर आर बराबर क्या ले लेंगे, 24। लास्ट में अगर अपन देखें तो आर बराबर कितना ले लेंगे, देखो 256 ले लेंगे, 256 लेंगे। देखो 256 के अंदर ये तो 0 बन जाएगा और 256 में 8 का भाग जाता है ये, देखो अब 256 से ज्यादा ले नहीं सकते कि अगर 256 से ज्यादा लेंगे तो फिर वही नेगेटिव वगैरह आएगा। देखो तो आर का मान अपन ले लेंगे, देखो दो ये वैसे भी आर का मान 256 से ज्यादा नहीं ले सकते, देखो ये 256 सी आर है ना, तो आर का मान 256 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो तो आर का मान अपन 0 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, ये ले लेंगे। देखो अब अगर अपन इन पदों को काउंट करें तो ये पद कितने हो गए, देखो इन पदों को अगर काउंट करें तो 8, 16, 24 अगर इनको काउंट करें तो 256 में भाग दे दो या कैसे भी निकाल लो, 256 में 8 का भाग देंगे, ये कितने आ गए 32, यानी ये पद कितने हो गए, देखो 32 पद, एक पद ही हो गया, देखो एक पद ही हो गया। देखो तो ये कुल परिमेय पद कितने हो जाएंगे, देखो कुल परिमेय पद, दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो कुल परिमेय पद कितने हो जाएंगे, एक पद तो ये हो गया और 32 ये हो गया, यानी कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। परिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। एक शॉर्ट तरीके से अपन करेंगे तो एक मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो अपने को ये पूछा गया था इस प्रसार में परिमेय पदों की संख्या पूछी गई थी, देखो एक मिनट सुनेंगे इधर, इस प्रसार में अपने को परिमेय पदों की संख्या पूछी गई थी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जनरल टर्म लिखनी है, देखो व्यापक पद अपन लिख लेंगे, आर प्लस वन वापस लिख लेंगे। देखो अब अपने को ये देखना है कि आर का मान अपन यहाँ पे क्या क्या रखें कि 1/2 और 1/8 हट जाए, देखो 1/2 और 1/8 हट जाए, वो आर के मान अपने को लेने। देखो तो आर बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो देखो ये 0 लेंगे तो 5 की पावर 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 लेंगे तो 3 की पावर बन जाएगा 128, देखो यानी परिमेय पद आ जाएगा। देखो 1/2 भी हट जाएगा, 1/8 भी हट जाएगा। देखो फिर आर का मान अगर अपन 8 लेंगे तो भी 1/2 हट जाएगा, 1/8 हट जाएगा, ऐसे अपन आर के मान लेंगे। देखो तो टोटल पद अगर काउंट करें तो कितने हो गए, देखो 33। आर बराबर 0 का मतलब कौन सा पद हो गया, आर बराबर 0 का मतलब कौन सा पद हो गया, देखो ये पहला पद, यानी इस पर इसका अगर अपन प्रसार करेंगे ना तो इस प्रसार के अंदर पहला पद क्या आएगा, परिमेय आएगा। देखो फिर आर का मान 8 का मतलब कितना हो जाएगा, नौवां पद आपको परिमेय मिलेगा। देखो 17वां पद परिमेय मिलेगा, 25वां पद अपने को परिमेय मिलेगा, 257वां पद अपने को परिमेय मिलेगा, देख सकते हैं। देखो जब आप इसका प्रसार करोगे तो इसके अंदर ये पद क्या आएंगे, परिमेय आएंगे। देखो परिमेय का मतलब उसमें 3 की पावर 1/2 या 5 की पावर 1/8 नहीं आएगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं। देखो तो परिमेय पदों की संख्या अगर अपन देखें तो कितनी आ रही है, देखो 33। परिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। देखो लिख लो, ये भी लिख लो, देखो T1 आगे जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो परिमेय पद कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 33 हो जाएंगे। देखो एक शॉर्ट तरीका अपन देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो आर का ऐसा मान लेना है कि 1/2 और 1/8 हट जाना चाहिए। देखो तो परिमेय पद कितने हो गए, टोटल रेशनल टर्म कितनी हो जाएंगी, 33 हो गए। आर बराबर 0 का मतलब हो गया पहला पद, देखो 8 का मतलब हो गया 9वां पद, फिर 17वां पद, फिर 25वां पद, ये सारे पद क्या होंगे, इस प्रसार में परिमेय पद होंगे। ये सारे पद इस प्रसार में परिमेय पद आएंगे। देखो अब एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, लिख लेंगे इस तरीके से कर लेना। देखो बिल्कुल वही बात है, एक ही बात है, शॉर्ट मेथड अगर अपन देखें तो इस तरीके से करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो आपको क्या लिखना है, देखो जो घात है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो देखो ये जो घात है वो लिख दिया मैंने, कितना आ गया, देखो 256। देखो यहाँ ये जो घात है ना, ये जो करणी में जो घात है उसका अपन एलसीएम ले लेंगे। देखो उसके एलसीएम का इसमें भाग दे देंगे, देखो उसके एलसीएम का इसमें भाग दे देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, देखो 256 लिख लिया मैंने पहले तो, और फिर इन दोनों की जो करनी है उसके एलसीएम का भाग दे देंगे। देखो उनका भाग दे रहे हैं, अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 256 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा। 256 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 32 प्लस। अब सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा। देखो 2 या 8 में से कम एक का भाग इसमें जाना चाहिए। देखो
दो या आठ में से कम एक का भाग अगर 256 में जा रहा है, दोनों का जा रहा है तो भी एक ही बात है, कम से कम एक का भाग 256 में जाना चाहिए। देखो अगर कम से कम एक का भाग 256 में जा रहा है तब अपन एक और जोड़ देंगे, देखो तब यहाँ पे अपन एक जोड़ेंगे, देखो अगर नहीं जो जा रहा है तब अपन जीरो जोड़ेंगे। देखो यहाँ 256 में, 256 में दो या आठ का भाग जाता है, अगर भाग जाता है तब अपन उसके अंदर एक जोड़ेंगे, देखो अगर नहीं जाता है तो जीरो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, ये पद 33 पद हो जाएंगे 33। तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, देखो 256 लिख लेंगे, नीचे उनका एलसीएम ले लेंगे, देखो जो करणी में संख्या है उनका एलसीएम ले लेंगे, देखो ये मान आएगा 32। अब एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दो या आठ का भाग 256 में जाता है या नहीं जाता है। अगर एक का भी भाग जाता है तो अपन एक जोड़ देंगे, देखो एक का भी भाग अगर जाता है तो अपन एक जोड़ देंगे उसमें। इस तरीके से क्वेश्चन करके देखेंगे, देखो लॉजिक वही है, इसी का ही लॉजिक से अपन लिखी है। कोई भी क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो ये है जैसे, देखो इसमें अपने को देखो प्रीमे पदों की संख्या पूछी गई है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, प्रीमे पदों की संख्या पूछी गई है। इस प्रसार में अपने को प्रीमे पदों की संख्या पूछी गई है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछी गई है। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो सब लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले तो। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो 1024 लिखेंगे, देखो यहाँ पे उसमें भाग देंगे किसके एलसीएम का, देखो दो और आठ, दो और आठ के एलसीएम का भाग देंगे, देखो दो और आठ के एलसीएम का भाग देंगे, देखो यहाँ आ जाएगा कितना, देखो 1024, दो और आठ का एलसीएम कितना हो जाएगा, आठ, आठ हो जाएगा, दो और आठ का एलसीएम आ जाएगा आठ, आठ का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, देखो वन आएगा, फिर वन आएगा, देखो आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब इसमें एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दो या आठ में से एक का भाग इसमें जाना चाहिए, देखो तो आठ का भाग चला जाएगा 1024 के अंदर, दो या आठ में से एक का भाग इसमें जाना चाहिए, देखो 1024 में दो या आठ का भाग जा रहा है, दो या आठ का भाग जाता है। ये एक शॉर्ट मेथड है, थोड़ा अपन इस तरीके से देख सकते हैं, अगर एक का भाग जा रहा है उसके अंदर दो या 1024 में दो या आठ में से एक का भाग भी अगर जा रहा है तो आपको एक जोड़ना है। देखिए अब अगर अपन देखेंगे तो कितने पद आएंगे, देखो 129, प्रीमे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 129 हो जाएगी, देखो प्रीमे पदों की संख्या आ जाएगी 129 आ जाएगी। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे अवाच्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होगा तभी अपन ये फॉर्मूला काम में लेते थे। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, पावर 500 है में पूर्णांकीय पदों की संख्या पूछी गई है, में पूर्णांकीय पदों की संख्या पूछी गई है। पूर्णांकीय पदों की संख्या पूछी गई है, अब यहां पर देख रहे हैं, देखो अभाज्य संख्या नहीं है ना, नौ और आठ है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले नौ को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आठ को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, की पावर कितना आ जाएगा 500, 1/6। अब यहां देखो इसको अपन इससे कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर 1/2 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर आ गया 500, की पावर 500 आ जाएगा, की पावर 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ठीक है कि बात यहाँ तक। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कितना आ जाएगा उस फॉर्मूले से, देखो 500 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, यानी आ जाएगा 250 प्लस अपन एक जोड़ देंगे 251 आएगा,
प्री में पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 251 आ जाएगी। प्री में पद या पूर्णांक के पदों की संख्या आएगी 251, 251 आ जाएगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। अगर अप्री में पदों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, देखो अप्री में पदों की संख्या भाई दो ही प्रकार के तो पद होंगे, या तो प्री में पद होंगे या अप्री में पद होंगे। देखो तो अगर अप्री में पदों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कुल पदों में से प्री में पदों की संख्या घटा देंगे। देखो कुल पदों में से अगर प्री में पदों की संख्या घटा देंगे तो अप्री में पदों की संख्या आ जाएगी। देखो लिख लो, देखो अप्री में पदों की संख्या, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म अगर पूछा जाता है, अप्री में पदों की संख्या अगर ये पूछी जाती है तो आ जाएगा कुल पद, कुल पद माइनस प्री में पदों की संख्या, ये आ जाएगा कुल पद माइनस प्री में पदों की संख्या। अप्री में पदों की संख्या हो जाएगी कुल पद माइनस प्री में पदों की संख्या, कुल पदों में से प्री में पदों की संख्या घटा देंगे तो अप्री में पदों की संख्या आ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया, देखो ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पावर शो है, देखो के प्रसार में अपने को अप्री में पदों की संख्या पूछी गई है, अप्री में पदों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे कुल पद, देख लेंगे, देखो निकाल सकते हैं ना कुल पद, कुल पद कितने हो जाएंगे, जितनी घात होती है उसमें एक जोड़ के लिख दो। देखो कुल पद क्या हो जाएंगे, घात से एक ज्यादा हो जाएंगे। देखो कुल पद कितने हो गए, 101 हो गए, कुल पद हो जाएंगे 101। अब अगर प्रीमेय पद देखें तो प्रीमेय पद कितने आ जाएंगे, देखो प्रीमेय पद अपन देख रहे हैं, देखो प्रीमेय पद अपन देख रहे हैं, देखो प्रीमेय पद देखने का बिल्कुल आसान सा तरीका अपने देखा था। देखो ऊपर तो लिख देंगे 100, नीचे भाग देंगे, देखो एलसीएम का किसका, 8 और 6 के एलसीएम का भाग देंगे, देखो कितना हो जाएगा 8 और 6 का एलसीएम, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 100 में 24 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 point something आएगा ना, कितना आ जाएगा 4 point कुछ भी मान लो, 40 ये लगभग 1 ये मान लो। जैसे अब 4.1 अगर आता है तो पद की संख्या 4.1 तो हो नहीं सकती, तो 4 ही मानेंगे। देखो 4 मानेंगे, कोई महत्वपूर्ण पूर्णांक लगा के लिख दो, इसको मानना आपको 4 मानना। देखो अगर 4.1 आता है तो वही महत्वपूर्ण पूर्णांक लगा के लिखेंगे, 4 मानेंगे। देखो अब इसमें अपने को एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना वो अपन देखेंगे। देखो तो 100 के अंदर भाग जाएगा कि देखो 8 या 6 का, 100 में 8 या 6 का भाग नहीं जाता, देखो 8 या 6 का भाग नहीं जाता है, और नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे। तो प्रीमे पद 4 ही आएंगे, देखो इसके अंदर प्रीमे पद कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। देखो इस प्रसार प्रीमे पदों की संख्या हो जाएगी 4, बाकी सारे अप्रीमे पद आएंगे। तो अप्रीमे पद कितने हो जाएंगे, देखो अप्रीमे पद हो जाएंगे कुल पद माइनस प्रीमे पद, यानी कितने हो जाएंगे, देखो 97 अप्रीमे पद हो जाएंगे, 101 माइनस 4 यानी कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। इस तरीके से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और करके देख लो एक दो क्वेश्चन। देख इसमें देखो, देखे अप्री में पदों की संख्या, देखो देखे जल्दी से कितना आएगा, इस प्रसार में अप्री में पदों की संख्या पूछी गई है। देखो सभी को आना चाहिए भाई, ये तो अब कोई नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट ही कोई बात नहीं, आसान सी बात अपन पढ़ रहे हैं। वो मन में आप सोच लो कि भाई देखो मैं तो नया हूँ अभी समझ में नहीं आएगा, तो एक बात अलग है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। देखो चाहे नया हो पुराना हो, कुल पद कितने हो गए, देखो कुल पद हो गए 1001,
कुल पद हो जाएंगे 1001। परिमेय पद अपन देख सकते हैं, देखो परिमेय पद परिमेय पद का बिल्कुल आसान सा तरीका था, 1000 में अपन भाग दे देंगे, देखो एलसीएम 5 और 3 के एलसीएम का भाग दे देंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा लगभग 66.6 आएगा, तो इसको अपन मानेंगे 66 मानेंगे। अब इसमें एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, जोड़ना है, देखो 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो 67 आएगा, देखो प्रीमी पद आ जाएंगे 67 आएगा, देखो इसके अंदर प्रीमी पद हो जाएंगे 67 हो जाएगा, ठीक है नहीं बात। देखो अब अप्रीमी पद अपन देख सकते हैं, देखो अप्रीमी पद कितने हो जाएंगे, अप्रीमी पद हो जाएंगे देखो 1001 माइनस 67 यानी कितने हो जाएंगे 934 हो जाएंगे, 934 हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे, प्रसार में अपने को प्रीमी पदों का योग पूछा गया है, जितने भी प्रीमी पद हैं उनका योग पूछा गया है। इस प्रसार में जितने प्रीमी पद आएंगे उन सब का योग करके बताना है, देखो तो अब यहां अपने को देखो वो देखना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी भाई, अपने को ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा पद प्रीमी पद आएगा, फिर उसका अपन क्या करेंगे योग करेंगे। देखो यहाँ अपने को पूछा गया परिमेय पदों की संख्या नहीं पूछी गई, योग पूछा गया, देखो तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कौन कौन सा परिमेय पद आएगा फिर उनका योग करेंगे, देखो तो वही जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे अपने सबसे पहले जनरल टर्म अपन निकाल लेंगे, देखो जनरल टर्म निकालेंगे बिल्कुल आसान है, वैसे जनरल टर्म अपन निकालेंगे, देखो कितना आ जाएगा बताओ जनरल टर्म इसकी 15 CR आ जाएगा, करके देखो सारे देखिए यहाँ जाएगा 2 की पावर 1/3 की पावर हो जाएगा 15 माइनस 8 यहाँ जाएगा 3 की पावर 1/5 की पावर और आ जाएगा यह आ जाएगा। यह आ जाएगा देखो 15 CR 2 की पावर कितना हो जाएगा देखो 15 माइनस 8/3 यहाँ आ जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा। अब ये देखो देखिए आर का मान अपन क्या क्या लें कि 1/3 और 1/5 हट जाए, देखो 1/3 और 1/5 हट जाए वो अपन देखेंगे, देखो तो परिमेय पद होंगे ये दी, परिमेय पद होंगे ये दी, परिमेय पद होंगे ये दी, आर का मान अपन क्या ले लें देखो सुनेंगे इधर, देखो R बराबर अगर अपन 0 ले लेंगे तो देखो ये 0 बन जाएगा देखो, और R बराबर 0 ले लेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा देखो, तो एक तो R बराबर अपन 0 ले सकते हैं देखो, एक सीधी सी बात है इन दोनों का LCM निकाल लिया करो, जितना LCM आएगा उसका भाग लगेगा सीधी सी बात, तो R बराबर कितना आ जाएगा देखो 15 आ जाएगा, अब 15 से ज़्यादा अपन ले नहीं सकते भाई, R बराबर अगर 5 लोगे तो देखो R बराबर 5 लेने पे यहाँ तो देखो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखो कितना बनेगा फिर 10/3 बनेगा देखो, तो 1/3 रहेगा देखो, परिमेय पद का मतलब 1/3 और 1/5 को हटाना देखो, 1/3 और 1/5 को अपने को हटाना देखो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा देखो 0 और 15, तो परिमेय पदों की संख्या अगर देखें तो कितनी आएगी देखो 2 आएगी देखो, वैसे आप उस सूत्र से निकालोगे तो कितनी आ रही है 2 ही आएगी देखो, उस सूत्र से भी देख लो जी भाई परिमेय पदों की संख्या निकालने का ये तो सूत्र देखा था अपने, 15 आ जाएगा नीचे एलसीएम आ जाएगा देखो, समझना भाई इसको देखिए एलसीएम आ जाएगा यानी कितना आएगा 15/15 यानी 1, अब एक जोड़ना है या नहीं जोड़ना है उसका मतलब ये होता है कि 3 या 5 का भाग जाना चाहिए उसमें, तो जा रहा है देखो तो वैसे भी अपन देख रहे हैं परिमेय पद 2 ही आ रहे हैं देखो, और ऐसे भी अपन देख रहे हैं 2 आ रहे हैं देखो, अब सुनो इधर सुनो देखो एक बार, आर का मान अगर 0 आ रहा है देखो, आर का मान अगर 0 है, आर बराबर अगर 0 है तो परिमेय पद कौन सा पद हो जाएगा, आर बराबर 0 का मतलब हो गया पहला पद,
और इसका मतलब कौन सा हो गया देखो, 16वां पद। अब इनका योग कर देंगे, देखो अब इनका योग अपन कर रहे हैं, अब इन दोनों पदों का योग अपन कर रहे हैं, इन दोनों पदों का योग अपन कर रहे हैं, देखो निकालो पहला पद निकालो, देखे एक बार सारे अपनी कॉपी के अंदर। पहला पद का मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, जीरो। पहले पद का मतलब आर का मान हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई, तो आर का मान हो गया जीरो, जीरो हो गया। टू की पावर कितना हो जाएगा, आर की जगह अपन जीरो कर रहे हैं, देखो आर की जगह अपन कर रहे हैं जीरो, देखो। थ्री की पावर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, देखो आर की जगह मैंने जीरो रख दिया, देखो यहाँ पे पहला पद अपन निकाल रहे हैं, देखो आर की जगह मैंने रखा है इसमें जीरो रखा है, देखो पहले पद के लिए आर का मान जीरो हो जाएगा। फिर 16वां पद निकालेंगे, 16वें पद के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, 15, तो आएगा 15c15 आएगा। दो की पावर कितना हो जाएगा, 15-15 यानी जीरो। तीन की पावर कितना हो जाएगा, 15/5 यानी तीन, तीन आएगा, इतना आएगा, ये आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 15c0 का मान एक होता है, देखो ये 2 की पावर 5 हो गया ना, 32 हो जाएगा। 3 की पावर 0 एक हो जाएगा, 15c15 का मान भी एक होता है, देखो 2 की पावर 0 का मान एक, और 3 की पावर 3 का मान हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बात पूछी गई थी, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो इस प्रसार में अपने को परिमेय पदों की संख्या अगर पूछी जाती तो संख्या अपन ऐसे निकालते, देखो अब यहाँ पे अपने को परिमेय पदों का योग पूछा गया था, तो परिमेय पदों का योग निकालने के लिए अपने देखो इस तरीके से जनरल टर्म लिख ली पहले, देखो फिर अपने देखा था कि परिमेय पद कौन कौन सा होगा, देखो आर का मान यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 1/3 और 1/5 पड़ जाए, देखो तो आर बराबर अगर अपन जीरो लेंगे तो देखो ये 1/3 और 1/5 पड़ जाएगा, आर बराबर अगर 15 लेंगे तभी हट जाएगा, देखो तो आर बराबर जीरो लेने पे और 15 लेने पे क्या आएंगे, परिमेय पद आएंगे, देखो आर बराबर जीरो का मतलब पहला पद हो गया और 15 का मतलब कितना हो गया, 16वां पद हो गया। अब अपने इनका योग कर दिया, देखो इनका योग कर देंगे, देखो समझ रहे हो की बात, देखो एक क्वेश्चन देखिए बताओ, देखिए आप लोग ऐसा तो अपन और करके देख लेंगे बाद में, एक अलग क्वेश्चन है, देखो सारे अपनी कॉपी के अंदर करके बताएंगे, देखिए क्वेश्चन के प्रसार में एक एक पद x से स्वतंत्र है, देखो एक एक पद x से स्वतंत्र है, तब n भाज्य है, n डिविजिबल है वो पूछा गया, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 400, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है अपने को देखो 6, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 3, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, और कोई भी ऑप्शन मान लो देख लेंगे अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये दे रखा है x माइनस ax अपॉन की पावर n, और इसमें दोनों में देखो एक एक पद x से स्वतंत्र आ रहा है, देखो इस बात का मतलब ये देखो ये जो प्रसार है इसमें x से स्वतंत्र पद आपको देखना, देखो इस प्रसार में x से स्वतंत्र पद कब आएगा वो आपको देखना, देखो ऐसे ही इस प्रसार में x से स्वतंत्र पद कब आएगा वो अपने को देखना है, यानी r का मान निकालो, देखो सबसे पहले ये जो प्रसार है इसमें अगर x से स्वतंत्र पद आएगा तो r का मान क्या आएगा वो अपन देखेंगे, इस प्रसार में अगर x से स्वतंत्र पद आएगा तो r का मान क्या आएगा वो अपन देखेंगे, देखो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं, देखो इस तरीके से लिख रहे हैं, देखो x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n है, देखो एक तो सूत्र वगैरह याद करो भी कर जाके आप लोग है ना, थोड़ा याद करो सूत्र x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n के प्रसार में अपने को x से स्वतंत्र पद की बात कर रहे हैं, देखो x की पावर जीरो वाले पद की बात कर रहे हैं, देखो सारे समझना, देखो बिल्कुल आसानी से अपन कर रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो देखो r का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो अल्फा बराबर तो एक हो गया, देखो बीटा बराबर एक हो गया, देखो n बराबर n हो गया, m बराबर जीरो हो गया, यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, देखो क्या सूत्र होता है r के मान का, सूत्र होता है n अल्फा,
एन अल्फा माइनस एम अपोन में कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से आर का मान आ रहा है एन वाई टू, देखो एन वाई टू आ रहा है, ये जो प्रसार है इसमें तो देखो आर का मान आ रहा है कितना एन वाई टू, अक्ष से स्वतंत्र पद अगर विद्यमान होगा तो आर का मान कितना आएगा देखो एन वाई टू आएगा, यदि आर का मान अपन एन वाई टू लें यानी एन का आधा अगर अपन लेते तब ये जो पद आएगा वो क्या आएगा अक्ष से स्वतंत्र आएगा, देखो ये जो प्रसार है इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या आएगा देखो इस प्रसार में इसमें x की पावर जीरो वाला पद कब आएगा देखो देखिए इस प्रसार में x की पावर जीरो वाला पद, अल्फा का मान एक हो गया बीटा का मान दो हो गया देखो n बराबर n हो गया m बराबर जीरो हो गया देखो, समझना अभी इस क्वेश्चन को देखिए यहां से r का मान कितना हो जाएगा देखो सूत्र होता है n अल्फा माइनस m होता है अपॉन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अब अपन ये बात जानते हैं देखो ये जो पद होता है वो इसके अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा यदि आर का मान क्या हो एक प्राकृत संख्या हो, देखो भी आर का मान एक नेचुरल नंबर होना चाहिए प्राकृत संख्या होना चाहिए देखो, तो एन का मान अपन क्या लें कि आर का मान यहाँ भी प्राकृत संख्या आ जाए और यहाँ भी प्राकृत संख्या आ जाए, देखो देखिए ये बात समझिए देखो आर का मान यहाँ पे एन वाई टू है यहाँ पे एन वाई थ्री है देखो, तो एन का मान अपन क्या लें कि दो का भी पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें और तीन का भी पूरा पूरा भाग चला जाए देखो, तो एन का मान या तो अपन छः लेंगे देखो या अपन 12 लेंगे या मान लो जैसे 18 लेंगे तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा दोनों का, देखो दोनों का भाग जाना चाहिए दोनों ही प्रसार में x से स्वतंत्र पद तभी विद्यमान होगा यदि r क्या होगी एक प्राकृत संख्या होगी देखो, और r एक प्राकृत संख्या तभी होगी जब n में दो का भी पूरा भाग जाए और n में तीन का भी पूरा भाग जाए यानी n दो से भी भाज्य हो और तीन से भी भाज्य हो, देखो तो ये लिख लेंगे देखो इस तरीके से लिख देंगे ये बात, ये लिख देंगे देखो ये बात x से स्वतंत्र पद विद्यमान होगा यदि x से स्वतंत्र पद विद्यमान होगा यदि r नेचुरल नंबर होगा, और ये तभी संभव है जब थोड़ा सा समझने के लिए लिख लेते हैं, ये तभी संभव है जब एन दो व तीन से भाज्य हो, एन का मान दो से भी भाग जाना चाहिए उसमें और तीन से भी भाग जाना चाहिए देखो, तभी आर का मान क्या आ सकता है एक प्राकृत संख्या आ सकता है देखो, एन दो व तीन दोनों से भाज्य हो तभी क्या आएगा इसका मान एक क्या आएगा देखो, अर्थार्थ एन बराबर अपन क्या ले सकते हैं देखो कुछ एन बराबर अपन ले सकते हैं देखो ये ले सकते हैं, अर्थार्थ एन बराबर अपन ले सकते हैं देखो छः बारह ये ले सकते हैं देखो अठारह अपन ये ले सकते हैं, एन बराबर अगर छः होगा तब दोनों का भाग चला जाएगा देखो, बारह अगर आएगा तो भी दोनों का भाग चला जाएगा देखो, तो यानी अपन क्या कह सकते हैं देखो छः से भाज्य कह सकते हैं, छः से भाज्य कह सकते हैं एन क्या हो छः से भाज्य हो, थोड़ा वो ऑप्शन सही लिख लेना वहाँ तीन की बजाय कुछ और वैसे मैंने लिखा था एन छः से भाज्य होना चाहिए देखो, एन छः से भाज्य होना चाहिए वहाँ कुछ और कर देते हैं पाँच कर देते हैं एन छह से बाजे हो तब की अपन बात कर रहे थे, मैं फालतू में उसमें कंफ्यूज होगी वो चेक कर लेना पांच कर लेना, तो एन छह से अगर बाजे होगा तब अपन बात कर रहे थे, तो ये बात समझ रहे हो कि देखो आज अपने बात की है देखो परिमेय पदों की संख्या वगैरह कैसे निकाल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई, और साथ में ना आप घर जाके याद करो इसको आज पढ़ाई करो देखिए याद करना देखिए सूत्र।